वी विल ट्राई, जब तक कंटिन्यू करने देता है इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और नेचर, तब तक कंटिन्यू करेंगे। इन केस बीच बीच में अगर रुकावट आती है तो आप कंटिन्यू रखेंगे, यह अपेक्षा है। और हम आपको किताब का लिंक और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोज है उनका लिंक बीच बीच में डालते रहेंगे, तो वो भी आप यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल नॉलेज विल बी शेयर्ड। टुडेज सेशन द मोर इम्फेसिस विल बी ऑन यूअर डाउट क्लियरेंस, तो आज डाउट क्लियर करने का काम करेंगे। वी विल स्टार्ट इन अनदर 4-5 मिनट्स। थैंक यू। आपको मेरी आवाज तभी आएगी जब मैं बात करूंगा, तो बात तो कर नहीं रहा हूँ। जब क्लास शुरू हो जाएगी तब अगर नेटवर्क का कोई इशू है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, टिल देन प्लीज वेट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मार्क देयर अटेंडेंस। आई एम संतोष टकले, आई विल बी टेकिंग यूर टूडे सेशन ऑन स्नेक्स मिथ्स एंड फैक्ट। मतलब जगात जेवढे काही साप आहेत त्यांच्याविषयी जे आपले समज गैरसमज आहेत त्याच्यावर आज आपण बोलणार आहोत। आज हम लोग जितने भी साप प्रजाती के जीव है उनके बारे में जितनी भी गलत फहमियां सिर्फ हिंदुस्तान में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं तो पूरे दुनिया में है, उस पर बात करेंगे। आज का लेक्चर एक अवेयरनेस फैलाने का हमारा प्रयत्न है, जिससे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी ब्यूटीफुल स्पेसीज कॉल्ड स्नेक्स। तो सब लोग जो भी प्रेजेंट है, यहाँ पे मुझे तकरीबन 30 लोग दिख रहे हैं, वो सब लोग अपना अटेंडेंस अच्छे से मार्क करेंगे एंड एक घंटा अपना माइक वीडियो ऑफ रखना ही है, उसके लिए हमने प्रोविजन किया है। तो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन ये है कि नॉर्मली आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी, राष्ट्रभाषा है, तो एक्सपेक्टेड है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस हु विल बी अटेंडिंग दिस लेक्चर आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी वेरी वेल। बट इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क इन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, और डाउट ही पूछने हैं। आज वर्ड स्नेक डे पे लेक्चर इस पे नहीं लेना है सिर्फ कि स्नेक मिथ्स फैक्ट्स क्या है, सांप कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उस पे बात करेंगे जरूर। बट मेन उद्देश्य यही है
कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा हो या सेवन स्टैंडर्ड का हो या 70 साल का कोई वयस्क व्यक्ति हो, एवरीबडी हैज गॉट ट्रेमेंडस डाउट अबाउट दिस स्पेसीज, क्योंकि इनके साथ जुड़ा हुआ जो भय यानी डर है, अभी सदियों से इनके बारे में डर रहा, बीच में इनके एग्जिस्टेंस के इकोसिस्टम के लिए फायदे पता चले, फिर हमें यह भी पता चले कि जिनका जहर जो हमको तकलीफ देता है वेनम, वही इनके जहर से हमें बचाता भी है। तो इस तरीके से जब इंसान तरक्की करते करते इवॉल्व होते गया मेंटली, तो समझ में आया कि हर जीव का अस्तित्व जरूरी है। तो हर जीव का अस्तित्व जरूरी है ये बहुत कम लोगों को समझता है जो एक्चुअली इस फील्ड में काम करते हैं या फिर एटलीस्ट काम करने की इच्छा रखते हैं। जो गलत तरीके से धन कमाते हैं और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको नॉर्मली किसी भी जीव से कोई भी दया या कोई भी तरीके का लगाव महसूस नहीं होता। तो टुडेज डे इज अ वर्ल्ड स्नेक डे, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली स्नेक्स। तो फिर से एक बार रिपीट रिक्वेस्ट है, आज का लेक्चर सिर्फ मेरी तरफ से हो ये सही बात नहीं है, आपकी तरफ से अभी से लेके 6:55 तक बहुत सारे सवाल एक्सपेक्टेड हैं, जो मैं किसी भी हालत में 7 बजे तक कंप्लीट करना चाहता हूं। तो कोई भी सवाल गलत नहीं होता, इसके मद्देनजर आप प्लीज 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 चैट बॉक्स में सवाल लिखिए। कोई भी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग यानी गलत तरीके से कोई लैंग्वेज अगर चैट बॉक्स में इस्तेमाल करता है, क्योंकि गेस्ट स्टूडेंट्स भी बहुत है यहाँ पे, तो यू विल बी ट्रैक एंड यू विल बी रिमूव्ड एंड यू विल बी पुट इनटू द मतलब नेसेसरी एक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बदतमीजी आपको तकलीफ न दे पाए। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द टुडेज लेक्चर। जैसे फर्स्ट स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूं, सारा कंटेंट इंटरनेट से उठाया गया है यही सोच के कि किसी का फायदा हो। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं, दिस इज यू नो इट इज अ मोनोकल्ड कोबरा, बट इसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। मैं अब तक जितना भी सांप या किसी भी चीज को स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्नेक एंड सिमिलर स्पेसीज के बारे में जो मेरा ज्ञान है, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन लोगों की जो किताबें इनके वेबसाइट के ऊपर जो इनके डिटेल्स इन सब का है। प्रैक्टिकल हैंडलिंग की बात करें तो प्रैक्टिकल हैंडलिंग में मुझे सही मायने में एक्सपोजर दिया राजू मुंबईकर नाम के एक सर है, यही रायगढ़ सबर्ब्स में, फिर एक उल्लास ठाकुर करके है, प्रसाद शाह जी है, फिर एक इम्पॉर्टेंट धनाजी करके एक मेरे कलीग है। ये 4-5 लोगों ने मुझे काफी इस मामले में एक्सपीरियंस दिया। एज सच आई एम नॉट वेरी गुड हैंडलर, बट टेक्निकल चीजों को समझने की क्षमता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे बात करके लोगों के शंकाओं का निराकरण मतलब डाउट्स क्लियरेंस कैन बी बेटर डन बाय मी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड टेक्निकल थिंग्स लिटिल बेटर देन अदर पीपल जो हैंडलिंग अच्छा करते हैं बट पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़े पीछे रहते हैं। सो एज फार एज द एक्नॉलेजमेंट थैंक्स गिविंग इज कंसर्न, दिस फर्स्ट 3-4 स्लाइड्स आर टू दोज पीपल इंक्लूडिंग जिन्होंने ये पीपीटी बनाने में मुझे मदद की, उन सबके नाम यहाँ है। नाउ लेट्स गेट इन टू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तकरीबन 4-5 साल पुराना प्रेजेंटेशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2900 स्पेसीज दुनिया में सांप की प्रजाति है, तो अभी वो बदल के तकरीबन 3718 वगैरह मतलब 3700 तक पहुंची है। नए नए एक्सप्लोरेशन होते रहते हैं, नई नई प्रजाति सामने आती रहती है, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। सो इंडिया में लिखा गया है कि तकरीबन यहाँ पे आपको 278, तो नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली 300+ प्रजाति सांपों की भारत देश में भी या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाती है। भारत देश ही बोलना बेहतर होगा, सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा और रीजन भी आता है, उनकी अपनी प्रजातियां है। एनीवे, सो इनके साइज शेप की डाइवर्सिटी आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आई एम स्टेइंग इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, रायगढ़, शिरढ़ोंड। हमारे यहाँ जो 4 बिग 4 है उनके बारे में हम बात करेंगे। सी स्नेक से नॉर्मली फिशरमैन और उनसे रिलेटेड लोग जो है उनका संबंध आता है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। आपने क्वेश्चनर मतलब एक क्विज रखा था हमने, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया, तो उसके अंदर जो लिखा था वो यहाँ है, फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट अंटार्कटिका।
ठंडा माहौल उनको पसंद नहीं है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड से ज्यादा एक्टोथर्म बोलते हैं, मतलब हीट लेके वो अपना हीट से रिलेटेड काम या बॉडी को हीट देते हैं, इस तरीके के जीवों को जो बोला जाता है वो कोल्ड ब्लडेड से ज्यादा बेटर है कि एक्टोथर्म बोला जाता है, वो आगे हम देखेंगे भी। तो ये प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स है, एक जानकारी यहाँ नहीं है वो मैं आपकी बढ़ा देता हूँ। तकरीबन पृथ्वी के ऊपर 16-17 करोड़ साल से सांप और उसकी जैसी प्रजाति है, और इसके भी पीछे मतलब पहले जिस लिजार्ड प्रजाति से या रेप्टाइल्स प्रजाति से इनका इवॉल्व साइकिल यहाँ तक पहुंचा, वो पांव वाले मतलब छोटे छोटे पांव होते हैं ना लिजर्ड्स को, उस तरीके के पांव वाले जीव उसके भी पहले कुछ लाख साल पहले थे। तो मतलब तकरीबन कुछ करोड़ 16 से 20 करोड़ साल से यहाँ पे इन जीवों का अस्तित्व है, और अपना इतना अस्तित्व बचाने में ये सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि इनकी जरूरतें बहुत कम है। तो यहाँ पे कुछ इथिकल लर्निंग इंसानों को भी मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हम डरते हैं और हम लोगों को डराते हैं कि सांप अटैक करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सांप खुद को बचाने के लिए सिर्फ डराने का नाटक करते हैं, जो कोबरा है वो हुड उठाता है, या फिर कोई और जीव होगा तो आवाज करेगा, जैसे सौ स्केल वाइपर है वो स्केल से एक दूसरे पे घिस के आवाज करता है, रैटल स्नेक जो है वो रैटल बजाता है। तो ये सारी चीजें उनको नेचर ने दी हुआ इवॉल्व साइकिल के वरदान है। बट खुद को बचाने के लिए भागना और कैमोफ्लेज करना, मतलब अगर सपोज आप सांप को देखोगे और वो कहीं पत्तों में छुपा हुआ है, तो पहले वो कोशिश करेगा कि अपना सर पत्तों में डाल दे, तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे किसी ने देखा ही नहीं अभी, और उसके बाद वो और छुपने की कोशिश करेगा। तो ये जो कोशिश है, ये उनका ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि खुद को छुपाने के लिए पूरी बॉडी को कहीं छुपाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इन अवर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें हमको उनको अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने एक्टोथर्म की बात की, फिर मैंने फूड के तौर पे आपको बोला कि वो एक्टोथर्म होने के कारण वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि आपकी गर्म बॉडी का उनको हीट मिले। तो कहीं भी थोड़ी गर्मी होगी, ह्यूमिड एटमोसफेयर होगा, वहां पे चांसेस है कि आप सांपों के पाओगे। इसके लिए नहीं कि वो कुछ गुस्सा निकालने आए हैं, वो उनके लिए मोस्ट कंडूसिव रहने की जगह है, हैबिटेबल जोन। तो उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको खाना नहीं खाना पड़ता है, वो एक्सटर्नल मीन से इसको कंट्रोल करते हैं। तो ऑब्वियसली उनके शरीर की गतिविधियों के लिए पानी बहुत जरूरी है, खाना उतना जरूरी नहीं है, तो दो दो साल भी खाना खाए बगैर सांप जिंदा रह सकता है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो यहां बता दी है। अभी आगे चलेंगे और जानेंगे कुछ सांपों के टाइप्स के बारे में। बट फिर से वही रिक्वेस्ट, एवरी 5 मिनट्स आई विल कीप रिक्वेस्टिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो मैं लेक्चर अभी ले रहा हूं और तकरीबन एक 200 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, पहले तो ये 250 स्लाइड थी, ये सारी कहीं ना कहीं है, रिपीटेड है लेक्चर। हर बार नागपंचमी हो या फिर अभी इस बार पहली बार हमको वर्ल्ड स्नेक डे समझ में आया, तो लेक्चर हो रहा है। बट तो वीडियोस इन हिंदी मराठी एग्जिस्ट, वेरी ब्यूटीफुल बुक, ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट भी एग्जिस्ट करता है इंटरनेट पे मेरा। तो ये सारी चीज के पीछे मैं नहीं चाहता हूं कि मैं रिपीट करते रहूं, और मेरी इस रिक्वेस्ट को किसी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आर दिस द रीजन फॉर देयर लिविंग इन डेजर्ट्स। मतलब यहाँ जो मैंने सवाल कुछ एक्सप्लेनेशन दिया कि उनको कम खाना वगैरह लगता है, ये उनका डेजर्ट में होने का नहीं, जहां भी सांप है वहां पे उनको रहने लायक कंडीशंस होनी चाहिए। तो जैसे आपने पहले में देखा, इसके पहले में, कि 8 डिग्री टू 45 डिग्री, ये तो डेजर्ट का माहौल नहीं है ना। तो डेजर्ट के बारे में जो आपने सवाल पूछा वो मैच नहीं हो रहा है कि आपने, एक मिनट, आर दीज द रीजंस फॉर देयर लिविंग इन डेजर्ट। तो ये 45 डिग्री के ऊपर तो डेजर्ट में रहता ही है ना, तो फिर वहां कैसे पाए जाते हैं। This is something contradictory, but 100% आपको समझना होगा कि 45 डिग्री सब जगह नहीं होता है। पत्थर के नीचे अगर आप जाओगे कहीं भी, इवन डेजर्ट प्रोन रीजन में या कोल्ड डेजर्ट में भी, तो अंदर की तरफ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर तकरीबन 40 के आसपास रहता है। इसलिए बोला कि पोलर अंटार्कटिका, जहां भी हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें, लद्दाख जैसे रीजन की बात करें, या यहाँ पे आपको काफी हद में उसी जैसे जीव यानी लिजार्ड्स देखे जा सकते हैं। तो लिजार्ड है, उनको खाने के लिए सांप भी है ही, ऐसा पकड़ के चल सकते हो। फिर भी श्री आर्यन को मतलब थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट सवाल पूछने की शुरुआत की।
तो प्लीज प्लीज सवाल पूछिए ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। आज के लेक्चर का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि सांप कैसे अच्छे हैं, सांप कैसे सुंदर है, सांप को बचाना कितना जरूरी है। ये सारे जो मेरे उद्देश्य है वो तभी फुलफिल हो सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली सेफ्टी फर्स्ट का मतलब क्या होता है। सावधानता सुरक्षितता का पहला तरीका है, तो सावधानी बरतने के लिए आपको नॉलेज होना पड़ेगा, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में आज हम कुछ चीजें जानेंगे, बट सवालों से अगर उनको मैं हल करने की कोशिश करूं तो वो बेहतर तरीका है। तो भले ही वर्ल्ड स्नेक डे का उद्देश्य सांपों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनकी यूजेबिलिटी, वो किस तरीके से इकोसिस्टम में यूजफुल है, इससे ज्यादा मैं जरूरी मानता हूं कि सांप अगर काटने के बाद वेनमस हो और अपने को इन मतलब वो वेनम इंजेक्ट हो जाए अपने बॉडी में, तो फेटल होता है अगर सही टाइम पे मेडिकल अटेंशन न मिले तो। तो इसका क्वांटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। 500 से 600 लाख लोग मरते हैं नॉर्मल, कोई भी हार्ट अटैक से लेके, बीमारी से लेके, बुढ़ापे से लेके सब। तो 500-600 लाख जो लोग मरते हैं, इनमें तकरीबन 1 लाख लोग सांप के काटने से मरते हैं। हम बोलेंगे 1 लाख अगर सांप के काटने से मरते हैं तो एक्चुअली कितनों को काटा जाता है। मोटा मोटी जो डाटा अवेलेबल है उस डाटा के एनालिसिस के हिसाब से 54-55-60 लाख लोगों को सांप काटता है पूरे साल में, और इसमें से तकरीबन 20-30% लोगों को वेनमस सांप से के द्वारा काटा जाता है। तो ये जो वेनमस सांप के द्वारा काटे जाने के बाद, मतलब पकड़िए कि मैं 20-30% बोल रहा था, मतलब एक 20-30 चलो 20 लाख भी पकड़ते हैं आउट ऑफ 60 लाख, तो 20-25 लाख लोगों में से जिनको जहरीले यानी वेनमस सांप ने काटा, उसमें से 1 लाख लोग 21वीं सदी की टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट के बावजूद भी मरते हैं। 3-4 लाख लोगों के जो अवयव मतलब हाथ पांव उंगली जहां काटा है उनको कटवाना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि सांपों का हमें अंडरस्टैंडिंग कम है, गवर्नमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग कम है, मेडिकल सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग कम है, इसलिए आज भी इतनी पुरानी प्रॉब्लम को हल किया नहीं जा रहा। तो भाई सेफ्टी फर्स्ट में पहला है कि अपनी जान बचानी है तो हमको सांपों से इंट्रैक्शन हो तो न इंट्रैक्शन हो इसलिए, या फिर गलती से काट भी ले सांप तो किस तरीके से बचाव करना है, ये हमको सीखना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे कि सर आप ऐसा बात कर रहे हो तो क्या आपको ये सब आता है? मुझे आता है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट 2-3 साल पहले मिल गया जब मुझे किसी वेनमस सांप ने काटा, मैं बहुत दूर था, बट बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कहीं ना कहीं कि भाई जो हुआ उसमें गलती मेरी है तो सुधारने में भी मुझे ही जोर डालना पड़ेगा, इसके कारण मैं आज आपका लेक्चर ले पा रहा हूं। कोई बहुत बड़ा तीर मारा ऐसी बात नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। तो ओके, सो वी हैव क्वेश्चन, सो लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन। आप बोर मत होइए, मैं क्वेश्चन, मुझे ना यहाँ क्वेश्चन दिखने में नागमणि जैसी कोई चीज होती है या ये अंधविश्वास है। थैंक यू, ओके ग्रेट। तो चलो, राठौड़ जी ने भी एक सवाल पूछा, नागमणि नाम की कोई चीज नहीं होती है ऐसा मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि अब तक के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो भी चीजें इस तरीके की लिखी गई वो गलत है, ये सब जगह प्रूव हुआ। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे, प्रैक्टिकली हमने कई बार देखा है, कभी कभी वो सफेरा आता है ना, फिर वो दिखाता है कि ये इस तरीके की चीज है और उसके इस्तेमाल भी बताता है कि सांप काटने के बाद अगर मैं वहां उसको टच करूं तो इमिडिएटली वो सोक कर लेता है जहर और आप बच जाते हो। तो ये सब अंधविश्वास है, ये एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे रहा हूं। बट राठौड़ जी आप फिर से मुझे ये सवाल पूछेंगे अगर हमारे पास टाइम है और सवाल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें, अभी तो मैंने सिर्फ बोला ये अंधविश्वास है नागमणि नहीं होता, बट इससे जुड़े कई सारी चीजें पूछनी है, बतानी है आपको, इसलिए आपको फिर से मुझे सवाल पूछना है अगर हमारे पास समय हो तो। 7 सर वाले सांप होते हैं क्या? जवाब है नहीं। तो सवाल तो आते आना चालू कर दिया, सो इट्स वेरी गुड। नाउ लेट्स गेट इनटू द वैरायटी ऑफ स्नेक्स। शुरुआत करते हैं नॉन वेनमस स्नेक को, जिनको हमको बिल्कुल मारना नहीं है, बट मारना नहीं है मतलब दो टाइम पे सांप काट लेता है, एक आप उसको जब मारने जाते हो या फिर हीरोगिरी करके आप उसको हैंडल करने की कोशिश करते हो। बहुत सारे स्नेक फ्रेंड्स हैं
जो लोगों की और सांपों की बहुत मदद कर रहे हैं, पर जब भी वो खुद की सेफ्टी का और सांप की सेफ्टी का और उसके बिहेवियरल कंडीशंस का या वो जिस कंडीशन में उसका अंदाजा सही तरीके से नहीं लगा पाते, तो कॉन्सिक्वेंसेस उनको और ऑब्वियसली उनकी फैमिली को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि जो भी स्नेक हैंडलिंग के दरमियान मौत होती है वो वेनमस स्नेक के काटने से होती है और जानकार व्यक्ति की मौत होती है। तो मतलब यहाँ पे आपको समझ में लाना ही होगा कि कितना जरूरी है कुछ चीजों को चीजें आपको आना और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। आप कितने सारे वीडियो देखते होंगे कि कोई मतलब गलत तरीके के इंटॉक्सिकेट करके या शराब पी के हैंडल कर रहा है साहब, उसको पता ही नहीं कि वो जहरीला है, देन नेक्स्ट डे ही डाइज। तो ये सारी चीजें न हो, इसलिए हम फटाफट सिर्फ चित्र देखेंगे, क्योंकि मुझे लेक्चर्स के मैसेज भेजने के बाद किसी की तरफ से ये सवाल आया था कि मेरे बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट है सांप को पहचानने में। तो भाई पहचानने का काम शुरू करते हैं। ये आपने देखा हुआ है, दिस इज ब्राह्मिणी वर्म स्नेक, वाड़ा बोलते हैं। खेती बाड़ी से संबंधित काम करने वाले बच्चों को, माँ बाप को, टीचर्स को, हर दुनिया के व्यक्ति को ये मालूम है। छोटा सा होता है, लिखा भी है वहां पे 5 इंच से 9 इंच। इसी तरीके का सर पे छोटा सा नाखून जैसा चीज होने वाला भी एक सांप होता है, जिसको बोलते हैं बिग वर्म स्नेक। देख सकते हैं आप उसके सर के ऊपर एक नाखून जैसा चीज है, तो ये बिग वर्म स्नेक है। ये नॉन वेनमस है, मतलब इसमें जहर नहीं होता, ये पक्का दिमाग में रखिए। बट किसी भी सांप को कभी भी हैंडल नहीं करना है, ये भी पक्का दिमाग में रखिए। आज के लेक्चर से हम सांप को और जो भी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि लेक्चर का साइड इफेक्ट ये हो गया कि आपने गलत फहमी में कुछ सुन के मिस इंटरप्रेट करके उसके कारण आपको या आपके फैमिली को या किसी सांप को तकलीफ पहुंचे। तो ये उद्देश्य प्लीज ध्यान में रखिए, बात को गलत राह पे मत लेके जाइए। ओके, शील्ड टेल है, तो ये फिप्सन शील्ड टेल, मतलब फिप्सन नाम के साइंटिस्ट ने या डिस्कवरर ने इनको ढूंढा। इनके ऊपर आप देख सकते हो कि किस तरीके के स्केल है, तो ऑब्वियसली खऊल मतलब स्केल मराठी में होता है, तो इसको मराठी नेम है खापर खौड़िया। बट इसकी शील्ड का क्या है, ये शील्ड है, पीछे जो उसकी टेल देख रहे हैं ना, वो टेल में जो चपटा पोर्शन है वो शील्ड की तरह है, तो शील्ड टेल बोला गया। इससे वो छोटे छोटे बरोज मतलब रैट होल्स वगैरह खोद के उससे अपने जो उसका प्रे है उसको पकड़ के ढूंढ के खा लेता है। अभी इंडियन रॉक पाइथन, बताने की जरूरत नहीं कि इससे बहुत ज्यादा डरते हैं लोग, पर भूल जाते हैं कि पाइथन नॉन वेनमस स्नेक है। ये आपको काट के ब्लीड करवा सकता है, आपको कॉन्स्ट्रिक्ट करके आपको सांस की तकलीफ तक पहुंचा के शायद मार भी डाल सकता है बड़ा हो तो, क्योंकि वो खाते भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। छोटा डियर हो, छोटा कुत्ता हो, छोटा सुअर हो, इन सबको बड़े साइज का 24 फीट, आप अभी गिन ही लीजिए अपने घर में 24 फीट क्या होता है। तो 24 एक माला 9-10 फीट का होता है, 24 फीट हो गया मतलब 10 के 3 गुना, ढाई गुना, तो मतलब 2-2.5 माले की ऊंचाई वाला सांप छोटा छोटा चीज तो खा ही सकता है, बट वो आपको गांव में शहर में नहीं मिलेगा, वो जंगल में मिलेगा। तो जंगल में बहुत सारी प्रिकॉशंस इन जीवों से बचने के लिए सेफ्टी के तौर पर लेनी है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। यहां पढ़ेंगे कुछ नहीं, चित्र देखेंगे। ये बहुत बड़ा वाला वर्जन है, ये उसका छोटा करीब से लिया हुआ फोटो है, ताकि आपको समझ में आए कितना स्टाउट हेप्टी या स्ट्रॉन्ग उसका पैटर्न होता है। ये जो है आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश है कि बहुत सारी वैरायटी है, और उसमें यहाँ पे आप देख सकते कि छोटा बच्चा जो है पाइथन का, दिखता पाइथन जैसा ही बट छोटा होता है, तो आप उसको देख सकते हो कि ये छोटा भी होता है, डायरेक्टली बड़ा नहीं होता। ये पिछला फोटो जो है इसमें आप देख सकते हो कि इनको जॉ बोन नहीं है, तो अगर चलो मान लो उसके मुंह का डायमीटर है तकरीबन 10 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर की चीज वो अंदर खा सकता है। मतलब बोला जाता है कि 170 से 200% साइज का, सॉरी 70-80 से लेकर 100% डबल साइज का वो खा सकता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उसके अंदर जो भी जाना है, और चबाने की जरूरत नहीं क्योंकि चबाने वाले कोई दांत मौजूद नहीं है, अंदर जाना है, अंदर चीज पहुंचने के पहले ही एक सिग्नल मिल जाता है उसकी सिस्टम को, जहां पे उसकी डाइजेशन सिस्टम 40 गुना स्पीडली काम करना चालू कर देती है। और डाइजेशन सिस्टम में जरूरी है ब्लड, तो जब उसके शरीर का सारा ब्लड वहीं पहुंचेगा डाइजेशन करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये एक्टोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड जीव सुस्त पड़ जाएगा। तो आप कई बार देखोगे कि खाना स्वालो मतलब अंदर लेने के बाद
सांप जो है ऑलमोस्ट मरी जैसी अवस्था में कहीं पड़े रहते हैं। ओके, ये पड़ा रहने का कारण आज आपको मैंने बता दिया कि सिस्टम किस तरीके से उसका काम कर रहा है। तो इस चीजों को समझते हुए आप जंगल में जा रहे हो, कहीं बाजू में बड़ा सा सांप पड़ा हुआ है, तो दुनिया को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, दुनिया को वहां से हटने को बोलना है। अगले दो चार घंटे में वो सांप वहां से जाने वाला है। वो मैं जो हीरोगिरी की बात कर रहा था ना, बेवजह दुनिया को मदद करने के एटीट्यूड के दिखावे की, वो ये है कि आपको उसको इंटरफेयर नहीं करना है। तो प्लीज प्लीज अपनी भावनाओं को जरा कंट्रोल में रखिए और मदद करने के चक्कर में किसी को तकलीफ मत दीजिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये अलग टाइप का बर्मीज पायथन है जो अलग जगह पे मिलेगा। ये सारा PPT किताब YouTube वीडियो अवेलेबल है, तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। सवाल आने बंद हो गए शायद, सवाल अर्थवर्म्स टाइप ऑफ। ओके ओके, यू आर राइट। तो ध्यान देके आर्यन सुन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब छोटी छोटी जो इंटरेस्टिंग लेक्चर या वीडियोस या फिर आर्टिकल्स आप पढ़ते हो ना जिंदगी में, बचपन से लेके बड़े तक, ये डाटाबेस बड़ी जरूरी होती है आपको एक हर जगह पे डिस्कशन में टेक्निकली करेक्ट चीजें पूछने के लिए। तो ये आर्यन बहुत ही सिस्टमेटिक बच्चा है इस मामले में, मुझे लगता है। गुड आर्यन। नाउ दो मुंह वाला सांप क्या काम आता है, जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है, न्यूज में भी स्मगलिंग की बात होती है। यहाँ पे क्या है ना राठौड़ जी, आपका करेक्ट कर दूं, कीमत दो मुंह वाले सांप की नहीं होती है। आगे एक सांप है उसको मैं दिखाऊंगा तो उसकी कीमत होती है, और गलत फहमी है कि उस सांप को आपके घर में रखोगे तो पैसों की बारिश होती है। और इस तरीके के गलत फहमी में हमारे ही, मतलब मैं जिस रीजन में हूँ, नवी मुंबई रायगढ़, यहाँ पे हाल ही में 2-4-5 साल पहले इस तरीके के गिरोह का पर्दाफाश किया था पुलिस ने, उसका क्राइम पेट्रोल पे सीरियल भी आया था, या टोटली अंधश्रद्धा है। जहां तक दो मुंह वाले सांप की बात है, ये बेसिकली होता है, आप जानते होंगे, जैसे कि देखिए इंसान के भी बच्चे जब पैदा होते हैं या जीवों में भी बहुत सारी पैदाइशी विकृतियां या ऐसे कुछ चीजें होती है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर से मैच नहीं खाती। मतलब आप कई बार देखोगे कि भाई किसी को 6 उंगली है, तो उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है ना, ये माइनर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या चेंज है जो ड्यूरिंग इनिशियल प्रोग्रामिंग कहीं हटके आ गया। फाइनली ये सब क्या है, क्रोमोसोमल जो मिलके जोड़ी बना के हम बनते हैं। तो ये सारी चीज में सांप भी कोई अपवाद नहीं है। सांपों में भी कभी कभी इस तरीके के बदलाव देखे जा सकते हैं। सांपों में कभी कभी आप देखोगे उसको अल्बिनो बोला जाता है, मतलब कलर अलग हो जाएगा। जैसे कि चलो कोबरा का कुछ कलर है या रेड स्नेक का कुछ कलर है या फिर क्रेट का कुछ कलर है, और जो अल्बिनो है वो टोटली व्हाइट रहेगा। तो मतलब ये भाई एक डिफेक्ट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में पैदाइशी उनमें कुछ आ गया बदलाव, अंतर आ गया नॉर्मल तरीके से, तो वो अपने तरीके से जीते हैं। तो ये दो मुंह वाला सांप हो या फिर और भी आगे जाके मैं स्टोरी बताऊंगा वक्त मिलेगा तो ये सारी चीजें जो है नैसर्गिक ऑकरेंस के कुछ प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर है। इसका किसी के भविष्य के साथ, भूत के साथ या फिर कोई अंधश्रद्धा के साथ जोड़ना गलत चीज है, ऐसे मैं नहीं, भारतीय संविधान बोलता है। तो ये बर्मीज पायथन है, ये सैंड बोआ है, वेरी इंटरेस्टिंग। लोग जो भी अपनी शो ऑफ की दुनिया में जीते हैं वो अच्छे वाले इस सांप को बेवजह मारते हैं, क्योंकि ऐसी स्किन की चप्पल से लेके जूते, बेल्ट और पर्सेस बनती है। ऐसे कई सांप इन चीजों का शिकार होते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्नेक इज दिस एंड द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे आपने जो सैंड बोआ देखा, हमारे यहाँ गलती से इसको फुरसा बोला जाता है, जबकि फुरसा नहीं है, ये सॉफ्ट स्केल वाइपर नहीं है, ये सैंड बोआ है, कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब एनाकोंडा की प्रजाति का है। ओके, उधर तक पहुंच सकते, बड़े छोटा है। हम मेरे घर पे एक जो UPSC के बच्चों के लिए हॉस्टल बना, वहां पे हमने तकरीबन 15 फीट का गड्ढा खोदा, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग बनानी थी। तो ऑलमोस्ट 10 फीट के नीचे जब JCB खुद रहा था, तो मुझे यही मिडल वाले कलर वाला सांप मिला। भाई खुद जानकारी रखता हूं तो मैं शॉक्ड हो गया कि इतने नीचे भाई साहब पहुंचे कैसे। तो ये कॉमन सैंड बोआ है, गलत फहमियां इनके बारे में जो बहुत सारी, उसमें एक है कि इनको छुओगे तो इस तरीके के पैच आपके शरीर पे आ जाएंगे या फिर आपको कुष्ठ रोग यानी लेप्रसी हो जाएगा। एब्सोल्युटली अंधश्रद्धा है, कोई टेक्निकल कनेक्टिविटी नहीं है, बट अंधश्रद्धाओं की खासियत ये है कहां से आई और कहां तक लेके जाएंगी, इसका आता पता न होते हुए भी लोग उसको फॉलो करते हैं, अंधानुकरण करते हैं, इसलिए तो उसको अंधश्रद्धा बोला जाता है। तो यार डुरकिया घुणस या कॉमन सैंड बुआ को आपने देखा, बहुत ही दिखने में सुंदर होता है, थोड़ा अगर खाना पीना बहुत दिन नहीं मिला है तो थोड़ा हॉस्टाइल हो जाता है, बट इसका एक छोटा भाई है,
या इसका एक साइड ब्रदर है जो बहुत ही प्यारा है, ये वो है, अभी ये जो है ये है, आप देख रहे हैं इसको, ये रेड सैंड बोआ या अर्थ बोआ, यही है भाई साहब, जिनको दो मुंह नहीं है। बट यहां मैं बोलूं कि इसको जरा पहले पिक्चर में या तीसरे पिक्चर में पहचानिए कौन सा सर है और कौन सी पूछ है, तो आप पहचान नहीं पाओगे, जबकि मिडल के इसमें क्लैरिटी है। तो अभी ये जो सपेरे होते हैं या जो बाबा बुआ मुल्ला मौलवी जो भी उल्लू बनाने में एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसकी पूछ वाली पोर्शन में कोई मणि वगैरह होल करके लगा देंगे, उसको पेंट करेंगे, पीछे किसी बकरी वगैरह के बाल फंसा देंगे और उस जख्म को सील कर देंगे, तो फाइनली बताएंगे कि देखिए ये सांप तो दो मुंह वाला है। तो आप जैसा होनहार आदमी पूछेगा ना, दो मुंह है तो बताओ दो दो साइड के चल गए। अभी इसमें इस रेड सैंड बुआ की नेचुरल बचाने की खुद को जो इंस्टिंक्ट है वो उसको तकलीफ देती है या उसका गलत फायदा ये चालू लोग लेते हैं। ये सांप दोनों तरफ चलता है, आप सामने हाथ रखोगे तो पीछे की तरफ चलेगा, पीछे हाथ रखोगे तो सामने की तरफ चलेगा। इसका गलत फायदा इन गलत लोगों ने ले लिया और हम जो एकदम ही इस मामले में सर्कमटेंशियल एविडेंस को या किसी भी टेक्निकल एविडेंस को नहीं ढूंढते हैं वो उसको दो सांप वाला बोलते हैं। फिर कोई फैला देता है कि भाई इसको घर में रखने से पैसे से बारिश होगी, तो मेहनत छोड़ के ये सांप के पीछे पैसे डालते हैं। इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सांप का जो आप बहुत ही ब्यूटीफुल कौन सा कलर है, ये ब्राउन ब्राउनिश शेड दिख रही है, इसी के पर्सेस मार्केट में हीरो हीरोइन से लेके बड़े स्पोर्ट्स स्टार यूज करते हैं, कीमत लाखों में करोड़ों में होती है ब्रांड के हिसाब से, बट आता है इन सांपों की तरफ से जो एक्चुअली नॉन वेनमस सांप को बचाना जरूरी इसलिए या पहचानना जरूरी इसलिए है ताकि बेवजह मारे ना जाए। और ये जिनको खाते हैं, कभी खाते हैं रैट्स को, कभी खाते हैं ऐसे जीवों को जो हमें तकलीफ दे हो सकते हैं या हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को बेवजह खाते हैं। तो एनीवेज तो ये है, अभी कुछ सवाल है मेरे ख्याल से, उनको मैं देखूंगा, थोड़ा टाइम दीजिए। सर क्या स्नेक को टेस्ट ट्यूब्स के थ्रू स्नेक को मैमल की तरह भर दिया जा सकता है? एगलिंग स्नेक्स नहीं होते हैं, एक 30-70 का रेशियो है, ओके? तो जहां भी आप देखोगे कि डायरेक्ट बर्थ गिविंग इज पॉसिबल, जैसे आप सोचिए ठंडी जगह पे गए तो हैचिंग होने के लिए गर्मी होनी चाहिए अंडे को, तो गर्मी मिलेगी कहां से? तो ठंडे प्रदेश में जितने भी आपको सांप मिलेंगे वो नॉर्मली डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ओवा ओवी परस वगैरह कुछ बोलते हैं, मतलब पिलज, पिलों को बच्चों को जन्म देने वाला, और अंडज मतलब जो अंडे से बच्चों को लाता है दुनिया में वो। तो ठंडी जगह पे पिलज यानी डायरेक्टली बच्चों को जन्म देने वाले सांप मिलेंगे, और जो गर्म, जो अभी हम जैसे मुंबई वाले लोग हैं, आप लुधियाना वाले वगैरह लोग, वी हैव लॉट ऑफ ट्रेमेंडस हीट, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे अंडज सांप मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो कोई भी पुराना घर, हाल ही में मैडम के घर के पुराने घर की कोई रिपेयर हुई, तो वहां उनके जमीन के नीचे मार्बल के नीचे 7-8 की 10-20 अंडे मिले बड़े बड़े, अभी वो हैचेबल थे कि नहीं पता नहीं बट थे। तो हाँ, ये मंडूल सांप था, प्रकाश यू आर राइट। नाउ क्या लिखा, क्या टेस्ट ट्यूब के थ्रू स्नेक्स को मैमल की तरह? ये आपका सवाल इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं लगता लोगों ने इस पे काम किया होगा, बट ये किया जा सकता है, बट उसकी जरूरत नहीं। आपको लगता है कि सांप कम है, उसके जो उपयोग है उसके लिए वो सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है, तो ये गलत सोच है। दुनिया में बहुत सारे सांप है, बहुत सारे जीव है, बहुत सारे प्लांट्स है जिसके ऊपर लोगों ने काम ही नहीं किया है। अभी आपने मुद्दा छेड़ा इसलिए मैं बता दूं आपको, एंटी वेनम जो बनता है ASV, वो सांपों के जहर से बनता है। हिंदुस्तान में जो मिलता है वो एक कॉम्बिनेशन है, पॉली वेनम बोलते हैं, पॉली ASV बोलते हैं, उसमें क्रेट का भी जहर है, वाइपर का भी है और कोबरा का भी है। जबकि मुझे वाइपर ने काटा था तो मुझे क्रेट और कोबरा का एंटी वेनम का जो मात्रा शरीर में बेवजह चला गया उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो अपने देश में 21वीं सदी में डंका पीटने वाले लोग इस फील्ड में काम नहीं कर रहे कि चलो हर एक सांप का तो ASV बनाए जहर का। तो आप जो बोल रहे हो उस काम के लिए सचमुच ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, बट प्रॉब्लम ये है कि काम करने वाले लोगों की कमी है, दिमाग वाले लोगों की कमी है, उसके पीछे सही मायने में पैसा डालने वाले लोगों की कमी है। तो मेरे ख्याल से सवाल खत्म हो गए, विल गो नेक्स्ट। मंडोल को देख लिया आपने, अभी हम ट्रिंकेट तस्कर बोलते हैं, बहुत ही आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल चित्र है, तो ये इसकी मुद्रा है जिसमें वो खुद को बचाने के लिए अटैकिंग पोज दिखा रहा है, पर ज्यादा करीब जाओगे तो फिर अटैक ही कर लेगा क्योंकि उनका ऑफेंस इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ डिफेंस। तो ये ट्रिंकेट है, इसके और एक है
नहीं नहीं वो ट्रिंकेट की तरह है, महिलाएं जो पहनती है तो उसकी वजह से उसको ट्रिंकेट बोला। ये पहाड़ी तस्कर है, मोन्टाना ट्रिंकेट्स नहीं, उसी की तरह अलग वर्जन। हाँ ये जैद का जो सवाल है उड़नारा सांप अस्तो का, इसके ऊपर आएंगे जब वो सांप दिखाऊंगा, और फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब न दू मोहम्मद जी तो आप मुझे वहां पे टोकिएगा, तो आई विल गिव यू आंसर, उस पर मार्गदर्शन कीजिए। हाँ उसी पे ना उड़नारा सांप पे ही बोल रहा ना, मे बी वी विल कम टू दैट। तो ये फोटो आप मिस करेंगे थोड़ा मैं फंस जाऊंगा। अब ये लेक्चर इसलिए हो रहा है ताकि आपको अगर किताब लेके नोटबुक लेके बैठे हो तो सांपों का नाम नोट कर लीजिए, इनके ऊपर इंटरनेट पे ढूंढिए, कहीं रास्ते में दिखेंगे, मरा हुआ भी दिखे तो हाथ नहीं लगाना है। मेरे लेक्चर की फीस यही है, आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जो मैंने बताई नहीं और आपने बेवजह समझ ली। तो सांपों से दूर रहना बेस्ट सॉर्ट ऑफ सेफ्टी है, आपको बेवजह उनको तकलीफ नहीं देनी है, उनको मतलब खुद को तकलीफ करा के नहीं देनी है। तो ये ट्रिंकेट की तरह डिजाइन है जो महिलाएं हाथ में पांव में पहनती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिंकेट। रैट स्नेक सबका फेवरेट, सबको डराने वाला दुनिया में, सॉरी मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गधों की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पे इतनी ज्यादा नॉलेज है कि उसमें से क्या लू क्या नहीं लू नहीं समझ में आता है। तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मेरे ऑफिस के पीछे, मैं अनुशक्ति नगर में जाता हूँ ना ऑफिस, तो वहां पे बहुत सारी हरियाली है, तो वहां पे दो रैट स्नेक एक हेल्दी फाइट करते हैं मादा से मिलन के पहले, अपना उस जगह का प्रभुत्व दिखाने के लिए। सांपों में ये ऑब्वियस है, वो एक दूसरे को काटते नहीं है, जब खाना होता है तभी काटते हैं, नहीं तो नॉर्मली दे विल नॉट बाइट। तो ये जो उनका तरीका है उसमें मेटिंग में वो लोग एक तरीके का प्रणय नृत्य करते हैं जिसमें एक दूसरे को धक्का देके नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे से ऊपर तक खुद को राइज करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो मैंने शूट किया, डाला, बहुत सारे व्यूज हुए, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन सब ने इंटरनेट पे पढ़ के मुझे अकल सिखाई। वो एक दूसरे से मेटिंग कर रहे हैं, तुम गलत लिख रहे हो कि वो एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो मतलब ये एक पॉजिटिव फाइट के बाद मादा के लिए वो खुद को लायक साबित करे। अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि इंटरनेट में सचमुच कितना वायरल गलत नॉलेज है कि जिसका लोगों को अंदाजा ही नहीं। तो रैट स्नेक पे आते हैं, आप देख सकते हो 11-12 फीट सवाल। आई गॉट सम क्वेश्चन, आई विल गो थ्रू दैट, उस पर मार्गदर्शन कीजिए, कर देता हूँ। और उड़नारा सांप पे बात करें, महादेव के गले का सांप के बारे में बताइए। अच्छा, महादेव के गले के सांप के बारे में यही है कि वो दिखाया जाता है वो कोबरा है, ओके। बट जहां तक कोबरा की बात करें, वेनमस कोबरा इज वेरी डेंजरस, वेनमस स्नेक्स आर डेंजरस। क्यों, कब, कैसा, क्या, वो हम जब वेनमस स्नेक में आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बट रही बात कि अगर आप सर रैट स्नेक जहरीला होता है क्या, नहीं। आयुष मात्रे थोड़ा प्रेजेंटेशन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, शुरुआत से प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है जो गांव में रहते हैं उनके लिए कि चल क्या रहा है। अब तक हमने 13 सांप देखे जो नॉन वेनमस मतलब जहरीले नहीं है, मतलब उनको जाके छूना नहीं है, उनको प्यार करना नहीं है, सहलाना नहीं है, बिल्ली नहीं है, कुत्ता नहीं है, वैसे भी बिल्ली कुत्ता भी बहुत ज्यादा जोर से काटते हैं, बट इनका और उनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा अलग है। तो सांप के लिए रेड स्नेक नॉन वेनमस है। मैं ये बता रहा था कि ये 11 फीट का सांप, मेरे घर पे तो एक उसका मोल्टेड स्किन भी है, लोग वो स्किन देख के भी डर जाते हैं, डरने का कोई सीमा नहीं है इधर लोगों का। तो ये जो रेड स्नेक की स्किन है मेरे घर पे है, कभी दिखाऊंगा आप आएंगे तो। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये रेड स्नेक कम से कम हो सके तो दिन में भी 2-3 चूहे खा सकता है। अभी आप बोलोगे चूहे के पीछे क्यों हाथ धोके पड़े हैं, इसलिए है क्योंकि ये रोडेंट्स या माउस या घूस मराठी में आप जो बोलते हैं, ये इतना खा ग्रेन्स मतलब राइस बोलिए या खेती बाड़ी को नुकसान करते हैं। और पैदाइश इस तरीके की कि साल में एक चूहों की जोड़ी 700-800 चूहों को जन्म देती है। अभी उसके अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे, नेचुरली पिंजरा लगाएंगे, आप कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालेंगे तो घूम फिर के हमारे खाने और पानी में आ जाते हैं। तो नेचुरल पेस्टिसाइड के तौर पे सांपों को देखा जाता है, और आप सबको मालूम होना चाहिए कि रेड स्नेक इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट। बट सबसे ज्यादा मारते हैं रेड स्नेक को, और ऐसा नाटक करते हैं मारने वाले लोग कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। अभी रेड स्नेक का प्रॉब्लम क्या है, रेड स्नेक लगता है थोड़ा बहुत कोबरा की तरह। कोबरा जो है मतलब नाग विषारी सांप है, काफी शांत है, बट कुछ अलग टाइप का कोबरा भी है जो थोड़ा ऑफेंसिव रहता है। यहाँ जो रेड स्नेक की हम बात कर रहे हैं, ये रेड स्नेक जब मैं बोला कि सर भी उठाता है मिलन के टाइम पे, मेटिंग के टाइम पे, प्रदर्शन के टाइम पे, तो सचमुच लगता है कि ये है। अभी आप बोलोगे सर क्या बात कर रहा, मैं उस वीडियो की बात कर रहा था जो मैं शूट कर रहा था।
उस वीडियो में हमारे यहाँ जो कॉस्मेटिक हेल्प आती है, मतलब जो उस तरीके के लोग मदद करने आते हैं, वहां एक लेडी थी। मैं उनको बोला कि आप डरिए मत, आप अपना ऊपर की माले पे है ना, आप अपना काम करते। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, वो देखिए नाग है, वो तो कितने ऊपर उठ रहे देखो। तो अभी मैं उनको बोला वो नाग नहीं है, वो घामण है, रैट स्नेक। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा कि कुछ पता भी नहीं होता है लोग कितनी बड़ी बड़ी जगह पे कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम करते। तो ये जो गलत फहमी का आपके अंदर जाके उसका जो गैंग्रीन होने वाला है ना, उसको थोड़ा बचाए रखिए कि कभी कभी नॉलेज किताबों से लेना और प्रैक्टिकली समझ के एक्सपर्ट से उसको एंडोर्स करके यूज करना ही ऑलवेज बेटर। तो ये ब्यूटीफुल रैट स्नेक पहचानने के लिए छोटा चित्र जो है मैं बड़ा कर रहा हूँ, आपको नीचे लाइन दिख रही है। अभी करीब जाके लाइन देखने के चक्कर में कुछ उठपटांग हरकत मत करिए, बट ये लाइन आपको दिखेगी। कितना भी उसका कॉम्प्लेक्शन बदल गया हो, बारिश में उसका कलर डार्क ब्राउनिश हो जाता है क्योंकि पत्ते जो सड़े होते हैं उनमें कैमोफ्लेज होने के लिए वो कलर होता है। समर में वगैरह जब पत्ते गिरते हैं येलोइश टाइप के, तो वो फ्रेश येलो दिखेगा। मॉल्टिंग मतलब स्किन छोड़ने के बाद, कात टाकल्यानंतर सांप बहुत ही अलग और फ्रेश दिखता है। तो ये बहुत सारी गलत फहमियों का भी कारण है। ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, डरावना भी लग सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जिससे आप इस सांप को पहचान सकते हो, इसकी पूंछ की तरफ ध्यान रखिए, बहुत ही पतला होते जाता है। इतना पतला कि आप गलती से इसको कंपेयर करोगे कोबरा के साथ, तो कोबरा का टेल जो है वो काफी स्टाउट मतलब थोड़ा मोटा सा रहता है। अभी कोबरा का टेल मोटा है, इसका टेल पतला है, ये थोड़ा लंबा रहता है और कोबरा काफी इसके कंपैरिजन में शॉर्ट रहता है। बट ये कंपैरिजन वाला स्केल तभी आपको समझ में आ जाएगा जब आपने इसके ऊपर विस्तृत तरीके से पढ़ाई किया है, समझने की कोशिश की है, वक्त बिताया है किताबों में, वीडियोस में और सही लोगों के साथ। तो ये आप करेंगे, ये उम्मीद है आज के दिन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वर्ल्ड स्नेक डे है। तो सांपों से हमें बचाने के लिए नॉलेज बढ़ाने का काम तो आज के दिन पे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे हमको उनको देना है। सांप तो नहीं ना पढ़ सकते, तो हमको उतना करना पड़ेगा। नाउ विल रन थ्रू फास्टर। पट्टेरी धुलनागिन अबैंडेड रेसर टाइप का एक सांप है, मैंने नहीं फिजिकली देखा। एक बार मुझे मुंबई करजी करके मेरे जो इस मामले में गाइड करने वाले व्यक्ति है वेशवी से मुरण से, उन्होंने एक बार दिखाया था, पर मुझे सचमुच ज्यादा समझ में नहीं आया था इसको मैं अगली बार कैसे पहचानूंगा। रेसर मतलब फास्ट मूव करता है तो रेसर, बैंड होते हैं तो बैंडेड रेसर है। ओके, ये स्लेंडर है, चित्रांगन आयकुल, अभी दिखेगा तो दूर से ही पहचानने की कोशिश करिए, या नॉलेज या इंटरेस्ट है तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू आप हर्पिटोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, बॉटनिस्ट या फिर जूलॉजिस्ट, तो ये चीजें आपको काम आएंगी। आपके लिए नौकरियों की कमी नहीं है अगर आप अपने फील्ड में मास्टर हो। जैसे मैंने बोला एंटी वेनम का निर्माण, अभी भी दुनिया में अगर सालाना लाख लोग मरते हैं, तो मरते हैं लाख लोग ऐसा अगर लिखते हैं ये लोग, मतलब कम से कम 4-5 लाख मर रहे। मैंने लाख लोगों के मरने की बात की तभी मैंने शायद आपको बताया नहीं कि सांप के काटने के कारण कभी कभी आपके अवयव काटने पड़ते हैं, ओके, आपके लिम्ब्स, तो उनका नंबर 3-4 times होता है। मतलब 1 लाख मर रहे तो 3-4 लाख को काटने पड़ते, या सपोज 4-5 लाख मर रहे तो 15-20 लाख लोगों को इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। यू विल बी शॉक टू नो 28 वॉइल्स मुझे दिए गए ASV के 2 साल पहले, आज भी कहीं भी कभी भी सडनली अचानक बहुत ज्यादा पेन का स्पाइक आता है। क्यों, कब, कहां, इसका जवाब डॉक्टर नहीं दे पाते। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा तो समझा कि साइड इफेक्ट ये होता है, डॉक्टर को संभल के मुझे ASV देने चाहिए थे, पर RMO की हालत आप जानते हो दुनिया में क्या है, स्पेशली अपने यहाँ जहाँ पे लोग पैसे देके डॉक्टर बनते। नेक्स्ट, ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक गुजरात राजस्थान एरिया में दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखिए नॉन वेनमस है। तो ये डेजर्ट की आप मिट्टी देख रहे हो ना आर्यन, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कच्छ जाओगे या राजस्थान में बीकानेर या जैसलमेर जाओगे या उस तरीके के सैंडी पैच में जाओगे तो चांसेस है यू मे सी दिस। नेक्स्ट, देर आर सम अदर स्नेक्स ऑल्सो जो स्पेसिफिकली डेजर्ट में रहते हैं और काफी जहरीले होते हैं, नॉर्मली वाइपर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो। ये बैंडेड कुकरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफी शांत होता है, बट इस तरीके के एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी बहुत ही ज्यादा फियर्स तरीके से अटैक भी करते हैं। कुकरी जैसे इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो होते हैं तो इसलिए बोला जाता है, कभी कभी इनके बैंड के कारण इनको मणियार मतलब क्रेट जहरीला जो है वो समझ के मारा जाता है और जश्न मनाया जाता है अपने अज्ञान का। एनीवे, नेक्स्ट, ये रसेल्स कुकरी है, बाद में फोटो आप देख लीजिए फुर्सत से। ये ब्रॉन्ज बैक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक।
मुझे माफ कर दीजिए कि मैं यहाँ पे उतना ब्यूटीफुल फोटो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट ये ब्रॉन्ज बैग फ्रेश कंडीशन में टू मच ब्यूटीफुल दिखता है। अभी लंबा होता है, पेड़ के ऊपर रहता है, तो इसको रुका सर्प भी मराठी में बोलते हैं। अभी आप सोचिए पेड़ के ऊपर कोई सांप है और वहां से गिरने का चांस है, तो गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको काटने के लिए पेड़ पे आपका इंतजार करते बैठा था भाई, उनका भी तो ग्रिप कभी फिसलता है। तो इसके बारे में ये गलत फहमी है कि पेड़ के ऊपर रहता है, आपको काटता है, काटने के बाद आपके मरने को, मरने के बाद आपके जल के आपके चिता का धुआं आसमान में जब तक उसके ऊंचाई तक नहीं पहुंचता तब तक वो वहां बैठता है। हद हो गई गलत फहमी के अल्ट्रा वाइल्ड इमेजिनेशन की, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर पाता। ये है वुल्फ स्नेक, वन ऑफ द मोस्ट फियर्स फाइटर, बहुत ही ज्यादा अटैकिंग है क्योंकि नॉन वेनमस है। मराठी में कहावत है उथल पाण्याला खळखळाट फार, मतलब जिसके पास कुछ ज्यादा दम नहीं होता है वो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नॉर्मली करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये उसका ब्राउनिश वैरायटी है, एक ब्लैकिश वैरायटी भी है, और ये बिल्कुल क्रेट की तरह दिखता है, बट प्रॉब्लम है मतलब चेंज है सर में, सर के ऊपर से इसके बैंड्स चालू होते हैं, क्रेट के मामले में नॉर्मली पीछे से चालू होते हैं। सर जो होता है क्रेट का वो नॉर्मली राउंडिश रहता है, इसके मामले में ट्रायंगुलर है। इस छोटे से कंपैरिजन को आप ज्यादा दिल पे मत लीजिए, दूर रहने की कोशिश करिए। ये कवड़िया है, बहुत ही अच्छा काटता है, आप दो सेकंड के लिए हाथ में लोगे, सॉरी ये मैं और मैडम यहाँ बैठे, तो एक दिन हाथ में लिया, एक नहीं दो बार काटा, तो ऐसे भी करता है। बट जानकारी के साथ इस तरीके की चीजों को समझना या इस तरीके से अपनी सहनशीलता को बढ़ाना समटाइम्स गुड इफ यू आर अंडर रियली रियली करेक्ट गाइडेंस। एनीवेज, दिस इज डमेरिल्स ब्लैक हेडेड, आप समझ भी सकते हैं काला सर है, बॉडी के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट की लाइन जा रही है, स्लेंडर टेल है और टेल के नीचे ऊपर कोई पैटर्न नहीं। इसी तरीके से आगे जाके हम एक वेनमस स्नेक की बात करेंगे, कोरल स्नेक की, तो अभी मैं इसमें से भाग रहा हूँ। ये दीवड़ है, चेकर्ड किलबैक, बारिश में सब जगह या बारिश नहीं भी हो तो भी पानी की जगह पे ये दिखेगा। हेवी ड्यूटी बाइट देता है क्योंकि पानी में रहता है तो मछली मेंढक खाता है, और उनको बाइट करने के बाद अगर वो उनको झटका न लगे और वो थोड़ा मलूल मतलब थोड़े बेहोश से न हो जाए, इसको खाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शायद उसको ये नेचुरली वरदान मिला। तो ये बहुत ही डेंजरस तरीके से काटता है, शर्मीला होता है, बट वॉइस इज क्लियर, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्योंकि मैडम बगल में बैठी है और वॉलेंटियर्स भी है, सबको अच्छे से आवाज आ रही है, आप खुद का नेटवर्क चेक करिए। सो दिस इज चेकर्ड किलबैक, वी गो फर्दर, नानेटी, आपने बारिश में देखा होगा, बारिश आते ही नानेटी मार्केट में आ जाती है, एक आएगी, फिर मिलन का मौसम हो तो एक के पीछे चार आ जाएंगी, चार के पीछे पांच आ जाएंगी, गलती से उनको खाने के लिए कोबरा भी उधर घूमते फिरते दिखेगा। तो इससे गलत फहमी आई कि एक नानेटी को मारेंगे तो चार, चार को मारोगे तो छह, छह को मारने के बाद एक कोबरा आ जाता है। इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, उनको क्रॉस ब्रीडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हमको जल्द से जल्द हमारे अज्ञान का प्रदर्शन करना और उसके सहारे चलना बंद कर देना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल शांत जीव है, आप उठाओगे तो भी रेयरली काई बाइट नहीं करता है। हमारे यहाँ आज जितना मार्केट में जितना आज नॉलेज है उतना 10 साल पहले 20 साल पहले नहीं था, तो नानेटी काटने के बाद भी कुछ इलाज था, वो इतना घिनौना था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, तो कभी पूछ लीजिए किसी को कि क्या इलाज होता था नानेटी काटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, सो आई विल गो थ्रू दैट। सर आप सांप को अपनी खाल छोड़नी जरूरी है, अगर वहां ना छोड़े तो? वेरी गुड, तो निधि ने अच्छा सवाल पूछा, इसके पहले कुछ पूछा गया है शायद, बहुत सारे सवाल है तो सॉरी मैं अभी इनमें ही जाता हूँ, पर निधि का सवाल पढ़ा है तो मैं उसको बोल देता हूँ। हमको नाखून होते हैं, हमको बाल होते हैं, ये नाखून और बाल क्या है? ये बेसिकली हमारे शरीर का जो एक्स्ट्रा वेस्ट है जो नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे नहीं निकलता है उसको निकालने का एक तरीका है। सांप के मामले में ऐसी कोई चीज नहीं है, तो सांप को खुद के शरीर के ऊपर से जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो निकालने के लिए खाल के फॉर्म में उसको छोड़ना पड़ता है। अब ये खाल सिर्फ शरीर के ऊपर से नहीं, आंख के ऊपर से भी निकलती है। तो भाई निधि, जो आपका सवाल है, सांप को अपनी खाल छोड़नी जरूरी है, 100% जरूरी है, अगर वहां ना छोड़े तो प्रॉब्लम ये होगा कि टॉक्सिन्स इतने शरीर में आ जाएंगे कि उसकी सिस्टम चरमरा जाएगी, तकलीफ में आ जाएगी, एंड वक्त से पहले वो मर जाएगा। तो जैसे कि हमारे शरीर में भी कुछ तकलीफ है, जैसे आप बहुत दिन कुछ कारणवश टॉयलेट नहीं गए, ऑटोमेटिकली स्टमक अपसेट हो जाता है, फिर जब आप टॉयलेट से पास नहीं कर पा रहे हो वेस्ट, तो ओमिटिंग सेंसेशन आएगा, तो आपके मुंह से वो वेस्ट निकलेगा। कुछ गलत खा लिया तो भी यही सेंसेशन आता है कि लूज मोशन चालू हो जाएंगे,
जल्दी से लूज मोशन की गोली आपने खा ली, किसी ने बोला लूज मोशन की गोली खा लो तो आपको उल्टी होना चालू हो जाएगा। तो वेस्ट सीक्रेट मतलब बाहर फेंकना जरूरी है, सांप के मामले में ये वेस्ट उसका स्किन होता है। ओके नाउ वी विल गो बैक। और कुछ उधर नहीं, ऊपर भी कुछ लिखा है, मैं पढ़ा नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। क्यों वो बाइट नहीं करता महादेव का सांप? ठीक है, क्या वो बाइट नहीं करता महादेव का स्नेक? वो आप किसको बाइट नहीं करता? मुझे आई सॉ फैक्ट दैट चेप किल्ड अ स्नेक इनटू पीसेस फॉर डिनर, ही सेपरेटेड हिज हेड एंड स्टार्टेड बॉइलिंग इट। हाँ ये चाइना में बहुत, अरे बहुत सारे सवाल है मैडम, सेम सवाल। हाँ ठीक है, महादेव के गले के सांप को बारे में बताइए, आप बता दिया सर। रेड स्नेक जहरीला होता है, बता दिया सर। हाँ शेप ये चाइन, क्या आप एक समझो आर्यन, इंडिया हमारे यहाँ खाने पीने की मात्रा बहुत, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आई सॉ दैट बॉय स्नेक इनटू द पीसेस फॉर डिनर, ही सेपरेटेड हिज हेड एंड स्टार्टेड बॉइलिंग इट। हाँ तो उसी का जवाब दे, आगे कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन भी है। आई सॉ फैक्ट दैट द शेप किल्ड द स्नेक एंड इज बॉइलिंग इट आफ्टर 20 मिनट, द जस्ट हेड किल्ड द शेप, प्लीज इलैबोरेट। अच्छा अच्छा बहुत ही मालूम नहीं तुम कितना ये बोल रहे हो, बट दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। बट पहले मैं आपके सवाल के पीछे जो छुपा हुआ मुझे जवाब देना है वो दे देता हूँ। खाने के मामले में हम लोग चूजी है, हमारे ऊपर बचपन से जो संस्कार होते हैं। वैसे भी खाने पीने के लिए भारत देश में इतना अच्छा माहौल है, इतनी सारी अवेलेबिलिटी है, ये पहाड़ों में या रेगिस्तानों में नहीं होती, तो लोग वहां पे कुछ भी खाते हैं। डेजर्ट पोन या पहाड़ी इलाके में हर हिलने डुलने वाली चीज को खाया जाता है। अगर उसमें जहर है ऐसा महसूस हुआ तो वो जहर का अंग हलक करके उसको खाया जाता है। तो मतलब चाइना हो या कोरिया हो या नागालैंड वगैरह एरिया में, कहीं भी उस तरफ जाओगे आप तो खाने के बहुत सारी वैरायटी जो हम जिसको हेट करेंगे पसंद नहीं करेंगे वो होता है। बट यूर क्वेश्चन इज नॉट दैट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, सांप के सर में जो वेनम इंजेक्ट करने के लिए दांत होते हैं, फैंग्स बोलते हैं, वही उसके ऊपर ग्रंथि होती है जिसमें जहर होता है। तो तैयार होके जहर वहां जमा होता है जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है जब वो ऑफेंसिव मूड में होता है या हमारे इंट्रैक्शन में आता है। अभी आपने सर काट दिया, अभी हो सकता है कि आप उसको, ये आपने बोला कि सिर्फ उसके सर ने काट लिया, हिलना डुलना मुश्किल है अगर छोटा सा टुकड़ा सर का पड़ा हुआ है। बट अगर उसको आप जानबूझ के वहां पे टच करने जाओगे तो इट इज ऑब्वियस कि उसमें जान है, क्योंकि उसको जो उसकी शरीर की क्रिया चलाने वाली चीज है वो ब्रेन है, वो सर में है, तो मूवमेंट तो है। तो उसको उस समय में भी उसको ब्रेन स्टेम होता है, उसको टोटल इलैबोरेट ब्रेन या फ्रंटल लोब वगैरह नहीं होता है। उसको इतना ही समझना था खाना पीना सोना प्रजनन करना और काटना ऑफेंस के मोड में, तो वो काट लिया, जहर तो इंजेक्ट हो गया। अभी जो आगे होना है वो आदमी को पता होगा या सांप को, तो कुछ नहीं समझेगा, सांप तो मरने ही वाला है, उसको तो जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो आप देख रहे हो कि 20 मिनट्स के बाद सांप ने अगर उस तरीके का किल द चेफ तो हो सकता, अगर ये आप सही बात बता रहे हो तो मेरा नॉलेज बढ़ा कि ऐसा हुआ, ऐसा मेरे किसी स्टूडेंट ने कहीं देखा था। तो इट इज गुड कि आपके ऑब्जर्वेशन अच्छे है। फिर इन्होंने बता दिया सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हो गया वॉइस इज क्लियर, हो गया सर नाइस सर, हो गया सर इट स्नेक बाइट्स अस एंड रन्स अवे एंड वी आर नॉट एबल टू सी, हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर इट्स, वेरी गुड क्वेश्चन प्रणा परम। सांप काटे नहीं, इसमें खबरदारी तो लेनी है, बट हो ये गया कि भाई सांप ने काट ही लिया, ये कांट हेल्प इट होता है कभी कभी। अभी उसको ढूंढने नहीं जाना है, आपको शांति रखनी है, उस आपको खुद को इस तरीके से तकलीफ नहीं देना है ताकि हार्ट ज्यादा पंप करे और वो अगर वेनम अंदर गया है तो वो कहीं यहाँ वहां पहुंचे, मेनली आपकी ब्रेन सिस्टम या हार्ट सिस्टम या ब्लड सिस्टम या लंग सिस्टम, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल नर्वस वगैरह को। तो ये न होने के लिए आपको शांत बैठना है, आपके साथ जो दोस्त है फैमिली है उनको आपको शांति से उठा के बगैर ज्यादा मूवमेंट ऐसे किसी मेडिकल सेंटर PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाना है, जहां पे डॉक्टर आपके जो लक्षण है वो देख के, सिम्टम देख के आपको एंटी वेनम स्नेक एंटी वेनम जो है ASV है वो एडमिनिस्टर करना चालू करें। आप बड़े हैं, बुजुर्ग है, कुछ एलर्जी है, डायबिटिक है, किसी दवा की तरह, उस सब वो देखेंगे, वो तो हमको समझता नहीं है। तो सारी चीजें जो है वो डॉक्टर को, आप बोलेंगे सर वेनमस आपने काटा ही नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने के बाद वो ऑब्जर्व करेंगे। आप ज्यादा घबराए होंगे तो आपको थोड़ा कुछ अलग दे देंगे, थोड़ा एंटी वेनम का जो डोसेज है वो कम देंगे, फिर ब्लड टेस्ट करेंगे आपके ब्लड के ऊपर या आपकी जो एक टोटल सिम्टम है वो जान के डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा मेरा जो कहना है वो सुन लीजिए, डॉक्टरों को बहुत ज्यादा नहीं पता होता है। गांव में जाओगे तो डॉक्टर के पास इस तरीके के केसेस आते हैं, हाईफाई हॉस्पिटल जाओगे तो बहुत रेयरली केस आने के कारण
एक्सपीरियंस न होने के कारण कभी कभी गलत तरीके की ट्रीटमेंट होती है। जैसे मेरे किसी कलीग को जो मुझे इसके बारे में बता रहे थे, उनको रेड स्नेक ने काटा, समझ में नहीं आया, बाइट काफी फियर्स था, काफी डर गए वो, जबकि खुद स्नेक हैंडल करते थे। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में इस तरीके से डरा दिया गया कि शायद जिस पोजीशन में लेटाया गया था वगैरह वगैरह, और डर के चलते उनका यूरिन वगैरह बंद हो गया। कंटिन्यूस बेसिस उनका बीपी से लेके हर चीज बहुत ही अलग सिम्टम्स दिखा रहा था। थोड़ी देर में कोई स्नेक फ्रेंड आया और बोला, भाई तेरे जाने के बाद हमने वहां एक बड़ा रेड स्नेक देखा, रेड स्नेक ही था, तू टेंशन मत ले। थोड़ा रिलैक्स तो हुए, बट फिर देखा कि ये क्या है, तुमको यूरिन नहीं हो रही। तो बोला, भाई यूरिन के लिए कुछ करो, वो क्यों नहीं कर रहे। तो डॉक्टर ने यूरिन क्लियर करने के लिए जो करना है वो प्रोसीजर कर दी, एंड देन नेक्स्ट हाफ एन आवर एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल। डर और आपके बॉडी के जो नॉर्मल रिएक्शंस है उनको सही तरीके से न पढ़ते हुए आप एक्शन नहीं लोगे तो अच्छे खासे आदमी को भी आप मार सकते हो। तो आपको भाई दौड़ना भिवड़ना बिल्कुल नहीं है, सांप को लेके नहीं जाना, सांप को बिल्कुल लेके मत जाओ। सांप सांप सुन के लोग डर जाते हैं, तो डॉक्टर नॉर्मली माँ बाप के पैसे से डॉक्टर हुए लोग तो इतने डरते हैं, सांप देखने के बाद आधे लोग फेंट हो जाएंगे, बचे हुए लोग ये सांप देखने में इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको कोई नहीं देखेगा। तो ये ना होने दीजिए प्लीज। स्नेक टू पलक नहीं होती तो वो सोता नहीं है क्या? वाह, स्नेक को पलक नहीं होती है फिर भी वो सोता है, पलक बंद करके नहीं सोता है। ओके, वो खुली पलक से सो जाता है, वो अंधेरे में ही रहता है। तो आप बहुत अंधेरे में जाओगे तो पलक का वो सब एडवांटेज नहीं है जो सोने के लिए जरूरी है। हम सोते वक्त पलक क्यों बंद करते हैं? क्योंकि एक घर में एक नमूने को टीवी देखना है, एक को हाई मास लाइट देखनी है, किसी को कुछ और करना है, तो इसके चलते ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। उसको शांति मिलने के लिए हम ये सारी चीजें का अरेंजमेंट करते हैं। सांप जहां रहता है वहां पे कोई लाइट नेचुरली पहुंचती नहीं, और आर्टिफिशियल लाइट पहुंचाने का काम सरकार ने अभी तक चालू नहीं किया है। सर, कैन वी आइडेंटिफाई द स्नेक और इट्स कलर? यस ऑफ कोर्स, सांपों को पहचानना ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और बहुत कम प्रैक्टिकल हैंडलिंग का काम है। इंटरनेट पे इतने ग्रुप है, इतनी डेटा है, और इतने स्ट्रिक्ट है वो। जैसे आपने फोटो डाल दिया और आपने नीचे सवाल नहीं डाला कि प्लीज आइडेंटिफाई दिस, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने लोकेशन नहीं डाला, आपने किस कंडीशन में वो फोटो लिया, ये सब नहीं डालोगे तो वो जवाब ही नहीं देते। तो सटीकता से जानकारी के लिए ऑथेंटिक सांपों के जो लवर्स है, फ्रेंड्स है, क्या उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, उनके ग्रुप प्लीज ज्वाइन करिए। हाउ लॉन्ग टाइम स्नेक्स कैन स्टे इन वाटर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉस्ट्रिल से वो लोग नॉर्मली, मतलब उनका जो भी सांस लेने का तरीका है वो नॉर्मल है। तो इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि सांपों को पानी के अंदर उन्होंने जो खुद का हैबिट डेवलप किया कि वो बगैर सांस के भी रह सकते हैं, उतना ही टाइम वो रह पाते हैं। शेषनाग होते हैं क्या? शेषनाग मतलब क्या? शेषनाग जो टीवी फिल्म में दिखाते हो वो कोबरा है भाई। शेषनाग मतलब बहुत सर वाला सांप। तो वो सर ने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि सर दो मुहा सांप होता है क्या? तो मैंने बोला कि नेचुरल डिफॉर्मिटी से दो मुहा सांप हो सकता है, बट नॉर्मली वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, मर जाता है जल्दी। सात सर वाला सांप होता है क्या? पांच सर वाला होता है क्या? तो अब तक दुनिया ने नहीं देखा है जब तक फोटोशॉप नहीं था। फोटोशॉप के पहले हाथ से पेंटिंग होता होगा, बट फोटोशॉप आने के बाद ये इतना फैला कि रस्ते के बीच में सात सर वाला सांप है और इस तरफ लग्जरी बस खड़ी है, उस तरफ स्कॉर्पियो खड़ी है, ऐसे फोटो भी मार्केट में दौड़ने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने YouTube लाइव में ये सवाल पूछा था तो ये कि भाई सांप उतनी देर तक ही रह सकते हैं पानी में जब तक वो सांस रोक पाते, बट पानी में रहने के लिए आपको सांस रोकने की जरूरत नहीं है ना। सांप नेचुरली अच्छे तैराक होते हैं, उनका जो एस मूवमेंट है वो इतना बढ़िया है कि सांप को आप मत छोड़िए। गलती से कभी सांप दिखे तो उसको थोड़ा डराने की मत कोशिश करिए, बट आपको अगर ये प्रैक्टिकल देखना है तो दिखेगा, थोड़ा भी मूवमेंट करोगे तो वो यहां से वहां चला जाएगा तैरते। लगा कि भाई ये थोड़ा डेंजरस आदमी है, पत्थर वित्र उठा रहा है या कुछ कर रहा है, तो पानी के नीचे चले जाते हैं और कुछ सेकंड्स में ही यहां वहां निकल आ जाते। तो आपको सवाल का जवाब मिला होगा ऐसा पकड़ेगा। इफ द हेड ऑफ द स्नेक इज कट ऑफ विल इट सर्वाइव फॉर सम सेकंड्स सम मिनट्स, डिपेंड ऑन किस तरीके से उसका ब्लीडिंग हो रहा है और वो कितना हेल्दी था। यस सर, इन इंडिया एवरीवन थिंक्स हिम टू बी डॉक्टर विदाउट एनी नॉलेज। ये तुम मत अपने कमेंट दो, तुम्हारी तारीफ क्या करती, तुम तो शुरू हो गए। हाँ, तो अभी ग्रीन किलबैक देखा था हमने, ये नॉन वेनमस है। बेडम्स किलबैक, ये भी एक नाम है। ऑलिव किलबैक शेड के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, उसके कलर के सेमी वेनमस में। एक नाइकुल हमने थोड़ी देर पहले देखा था रेसर, ये गोली ब्लेसी ग्लोसी ब्लेसी बेलीड है।
ये छोटा जो है ये जहरीला इसलिए है पानी के आसपास रहने वाले या उस तरीके के ऐसी जगह पे जहां फूड की स्कैर्सिटी है, फूड थोड़ा चपल है, मतलब कुछ लिजर्ड्स वगैरह काफी फास्ट होते हैं, ऐसे को थोड़ा शांत बनाने के लिए या उनको थोड़ी देर के लिए मलूल करने के लिए या बेहोश करने के लिए सांप में जो उनकी सलाइवा का जो एक इल इफेक्ट किसी भी बॉडी पे हो सकता है वो मतलब आपका सेमी वेनमस होना। यहां मैं लिस्ट करते जा रहा हूं जो आपके नेबरहुड में है उन्हीं को दिखाऊंगा। तो ग्लोसीबेलिड एक है तरीका, डॉग फेस्ट वाटर स्नेक, मैंने खुद प्रैक्टिकली इसकी फैमिली को देखा अंडमान निकोबार में, तो ये पानी में रहता है तो ऑब्वियसली फिश खाता होगा उस तरीके के जीव, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जहर होना चाहिए, ये इतना कम होता है कि जो उसका प्रे है छोटा है उसको ही तकलीफ दे सकता है, हम जैसे बड़े जीवों को तकलीफ देना थोड़ा मुश्किल है। बट रैशेस या फिर आपको थोड़ा अलग तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे, बेटर टू गो टू द मेडिकल हेल्प PHC एंड टेल देम व्हाट हैज हैपेंड विद यू। नेक्स्ट इज ये झीलन है जो मार्श एरिया में रहेगी, सी और पानी या फिर जमीन के कंबाइंड एरिया में ये जीव है, तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं उस तरीके की क्वालिटीज जिससे वो उस तरीके के जीवों का भक्षण कर सके। ये आपने सवाल पूछा था सांप उड़ सकता है क्या, सांप नीचे से ऊपर नहीं उड़ता है, ऊपर से नीचे ग्लाइड होते हुए आता है। तो ग्लाइड होना मतलब अगर कोई चीज को अगर फ्लैट बना दो, जैसे हम लोग पेज पेज बना के एरोप्लेन बनाते हैं ना, तो वो एरोप्लेन कैसे ग्लाइड होके नीचे आता है, तो वैसे ये सांप ग्लाइड होके नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता है एरोप्लेन की तरह। आप बोलोगे ये क्यों, क्योंकि एरोप्लेन बहुत हल्का होता है और उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो ये उड़ेगा और नीचे आएगा। बट सोन सर्प जो है कहीं टहनी पे बैठा होगा, उसकी बाइनोक्युलर विजन, उसके अच्छी विजन से उसने देख लिया कहीं नीचे लिजार्ड मूव हो रहा है, तो वो खुद को हवा का रूप देखते हुए ये नीचे दिए हुए चित्रों की तरह ग्लाइड करवाएगा और वहां पहुंच के उस जीव को खाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए उधर बैठा है और जैसे आप आए उसने पुराने जमाने का जन्म का बदला लेने के लिए आपके सर के ऊपर अटैक कर दिया। प्लीज कम आउट ऑफ अननेसेसरी गिविंग प्रायोरिटी टू यू। जितना रिवेंज एटीट्यूड ह्यूमन बीइंग्स में है इवोल्यूशन के कारण, उतना बाकी किसी जीव में नहीं होता है। उनका हिसाब सिंपल है, रात गई बात गई। तो मतलब जब आपने पीठ मोड़ी उनको वो आपको भूल जाते हैं, वो आपको पहचानते वगैरह नहीं। ये बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है जिसपे बात हो सकती है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है आप देख सकते हो। वेलकम टू द कैट स्नेक, सीधा कैट के उसके जैसे आंख में ही घुस जाते हैं। बहुत बार इसको बड़ी साइज के कारण वेनमस माना जाता है, उसका जो एक अंदर रख रखाव है वाइपर की तरह है तो वाइपर समझ के मारा जाता है, बट है सेमी वेनमस। बाइट्स आर सेवियर, तो थोड़ा इसकी वैरायटी है, सेलोनी कैट स्नेक है, बेडम्स कैट स्नेक है, फोस्टन कैट स्नेक है। तो ये फोस्टन कैट स्नेक है, कैट की तरह उनका आईलिड वर्टिकल रहता है। ये सैंड स्नेक है, ये बाद में आप देख लीजिए, अभी इसमें आते हैं। ये हरन टोल हमारे महाराष्ट्र में तो ये प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है, लोग इसी को ग्रीन वाइपर भी समझते हैं जबकि वो होता नहीं। ये ब्यूटीफुल सांप है, सेमी वेनमस है, काफी अटैकिंग होता है अगर मूड खराब हो तो, बट आप देख सकते हो कि कितना लंबा है, साइड के फोटो में आप देख सकते हैं। यहाँ उसका ब्यूटी दिखाने के लिए ये फोटो है, ये उसके दांत है पीछे की तरफ है, सलाइवा के कारण हमको थोड़ा रैशेज तकलीफ अनइजीनेस फील होता है, बट इसके प्रे को कील करने के लिए उसको मिला या उसने इवोल्यूशन में बनाया है, उसका औजार है, उससे इंसान मरता नहीं है अनलेस अंटिल आप डर जाओ या आपको उस तरीके की कोई एलर्जिक रिएक्शन बॉडी दे रही है। तो ये हरन टोल है हमारे यहाँ, फिर से इसके बारे में कि ये हरन टोल मतलब टाड़ू पे बैठ के, टाड़ू मतलब सर का ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर बैठ के चीजल हथौड़ी से सर फोड़ के अंदर का जो दिमाग है उसको खा जाता है। वैसे बहुत लोगों में कम होता है तो भी वो सोचते हैं कि ये खा जाता है, बेचारा इतना सॉफ्ट है सामने का सर कि आप हाथ लगाओगे तो मुड़ जाएगा, तो वो आपका स्कल वगैरह ओपन नहीं कर सकता, वैसे भी उसकी सर्जरी होनी रहती है, तो हथौड़ी और चीजल डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये सब गलत फहमियों से निकलना होगा। इसका आईलिड हॉरिजेंटल होता है, वन ऑफ द रेयरेस्ट काइंड ऑफ स्पेसिस जिनका आईलिड सांपों में हॉरिजेंटल है, लंबाई देख सकते हैं आप यहाँ पे ना। वो इसी तरीके की ब्राउन भी वाइन होती है, वाइन स्नेक, ये अंडी खाऊ सांप है, इसके गले के आसपास अंदर एक हड्डी होती है जिससे वो अंडा फोड़ता है, कवच बाहर फेंकता है, अंदर उसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो खा लेता है। अभी ये पहले बोला गया था कि एक्सटिंक्ट हो रहा है, धुड़े बुल्ढाना इस एरिया में मिलता था, अमरावती वगैरह यवतमाल, पर अभी फिर से इसको मैंने किसी स्नेक ग्रुप पे वे फोटो देखा, मतलब इट इज नॉट एक्सटिंक्ट, क्योंकि लगता है उतना वो खुद को बचाते नहीं है।
क्या सवाल भी आ गए और बहुत सारा टाइम भी हो गया। ओके तो 7 बज चुके हैं, वेनम स्नेक रह गए, तो पहले सवालों में जाता हूँ, फिर 15 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे। पुटनारा साहब तो हमने पढ़ लिया, हाउ कैन वी टेल द डिफरेंस बिटवीन द स्नेक एंड लेगलेस लिजार्ड, थोड़ा मुश्किल है, बट आप लिजार्ड का फीचर्स देख सकते हो। जैसे हमारे इधर एक चौपाई होता है, चौपाई मतलब वो सांप सुरड़ी जिसको बोलते हैं, सांप वाली, सांप की मौसी। ओके तो अभी उसमें लिजार्ड में लेग होते हैं, बट लेगलेस लिजार्ड ये मैंने ही हाल ही में स्नेक ग्रुप पे देखा काफी लंबा होता है, पर अगर उसको आप पलटी करोगे तो नीचे की तरफ उसको थोड़े स्टब्स रहते हैं। कुछ स्नेक्स में भी छोटे स्टब्स रहते हैं पांव के, जो उनके रेप्टाइल्स, पांव वाले रेप्टाइल्स है लिजार्ड, उनके एंसेस्टर थे, इसकी गवाही है। तो पहचानना मुश्किल है, बट आपको ये पहचानने में जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस अंटिल इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू। तो डरना नहीं है बट पहचानना जरूरी है। उसमें अगर इस तरीके का कोई जीव दिखे तो आपको उसको सेफ तरीके से किसी राइट हैंडलर से दूर जाना है। पढ़ाई करने के लिए जब उस फील्ड में पहुंचोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता ही चलेंगी। यस सर, इंडिया इंडिया हो गया। सर, सांप के खून में ऐसा क्या होता है जिसको कोबरा कमांडो बाइट है? अच्छा, ये क्या है सर? सांप के खून में ऐसा क्या होता है जिसको कोबरा कमांडो बाइट भी थे? सर, व्हेन द स्नेक्स आर मोस्ट एक्टिव, जब 8-45 डिग्री सेंटीग्रेड का उनका टाइम टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, तो ये पीरियड में उनका मेटिंग सीजन होता है। ये पीरियड में उनको, जैसे बारिश में देखिए ना कितना खाना अवेलेबल है, लिजार्ड्स है, छोटे छोटे मेंढक है, तो ये सब उनके फेवरेट है। तो इस टाइम में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, बाहर आते हैं। देखा आपने, नानेटी तो हाइबरनेट करती है, 6-8 महीना तो वो रहती ही नहीं, तो इस पीरियड में खा लेते हैं और फिर कहीं जाके छुप जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं। उनको खाना तो चाहिए नहीं, 6-8 महीना तो ऐसे ही जी पाते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खाना इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये समझ के आप समझिए कि सांप एक्टिव इस पीरियड में रहते हैं जब खाना प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है। ये आपका कमांडो वाला चीज कुछ समझा नहीं, तो कोई पीता बीता नहीं है सांप का जहर, आपकी जानकारी के लिए। गलत फहमियों से जितना हो सके उतना जल्दी आ जाओ। एक व्यक्ति थे जिनको सांपों में बड़ी दिलचस्पी थी, तो वो खुद को इम्यून करने के लिए सांपों के जहरीले सांपों से कटवाते थे। उनका नाम मैं भूल गया, बहुत फेमस व्यक्ति है, बट ऐसे होते 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 हुए ऑलमोस्ट उन्होंने 25-50 बार खुद को कटवाया, फिर ट्रीटमेंट लिया, वो इम्यून तो हो गए थोड़ा थोड़ा, बट ये भी हालत आ गई कि एक टाइम पे ऐसे कंडीशन में थे कि एक स्पेसिफिक टाइप का जहर अगर उनके बॉडी में चला जाए तो इवन एंटी वेनम भी उनको नहीं बचा पाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती है, हमें बेवजह ऐसी हीरोगिरी नहीं करनी। आज का वर्ल्ड स्नेक डे सेलिब्रेट करने का मकसद है सांपों के बारे में जानकारी लेके खुद को सेफ करना, और जिससे इकोसिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही सेफ महसूस करे। एबैंडेड क्रेट है, जब प्रकाश अमटे जी के घर पे मैं गया था उधर हेमलकसा में, तो उन्होंने खुद दिखाया था, ये नॉर्मल क्रेट से बहुत ज्यादा पोटेंट, मतलब ज्यादा सेवेरिटी है इसके वेनम में, बट उतना ही शांत है। पहले गलत फहमी थी कि भाई नॉर्थ ईस्ट जगह पे ही ये मिलता है, बट हाल ही में ये देखा गया कि सब जगह मिलता है, डेंस फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है, बट बहुत ज्यादा वेनमस है तो थोड़ा संभल के। ये क्रेट है, ये भी बहुत ज्यादा वेनमस है, नॉर्मल कोबरा से ऑलमोस्ट 3-4 या 8 टाइम्स ये ज्यादा पोटेंट इसका वेनम रहता है। सांप छोटा रहता है, दांत छोटे रहते हैं, इसके कारण इसका काटने से जो जहर की क्वांटिटी हमारे शरीर में आती है वो कम होती है, बट इतना पोटेंसी है कि नॉर्मली, कभी आपने न्यूज सुना होगा कि किसी आश्रम स्कूल में वगैरह कोई बच्चे सुबह उठने के बाद 7-8 बच्चे या 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रेट। क्रेट जाता है, जो भी हिला हल्का बाइट कर लिया, उतना सा जो माइक्रॉन्स में चला गया उसका LD50 का लेवल इतना बड़ा है कि इसके चलते ऐसे हादसे होते रहते। और मैं बोल रहा था कि इससे भी ज्यादा जहरीला है ये वाला, तो आप समझ सकते हो कि कितने कॉम्प्लिकेशंस है जब हम जहरीले सांपों की बात करते हैं। इनको पहचानने की जहां तक बात है, सेपरेट लेक्चर कैन बी टेकन। आज आप इनके नाम नोट कर लीजिए, इंटरनेट पे इनके फोटो देखिए, खुद का नॉलेज बढ़ाते रहिए। वॉल्सिन क्रेट है, बहुत ही उसी तरीके का सांप, नॉट विल नॉट, ये मैंने बोला था कि डुमेरिल्स ब्लैक हेडेड स्नेक की तरह एक जहरीला सांप है जिसका नाम कोरल स्नेक है, वो ये है। इसका पूछ जो है स्टाउट है, कलरफुल है, और ये कलरफुल होने के कारण अमेरिका में वगैरह, लंदन में, मतलब यूरोप में वगैरह, बच्चे इसको हैंडल करने जाते हैं जब दिखता है, तो इस तरीके का, ये इस तरीके का, तो उनको बाइट होता है, बट फिर से दांत छोटे हैं, सांप छोटा है, देखिए 114 सेंटीमीटर, तो उसके कारण
इवन वेनम अंदर जाने के बाद भी अगर राइट टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो बच्चे भी बच जाते हैं। मोनोकल्ड कोबरा आप देखोगे वेस्ट बंगाल असम उड़ीसा की तरफ ये दिखता है मिलता है, काफी फियर्स रहता है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा दहाचा अकड़ा असलेला नाग किंवा वी वाला जो हमारे यहाँ मिलता है या ऑल ओवर इंडिया मिलता है उससे ये कम जहरीला है पोटेंसी के मामले में, पर ज्यादा ऑफेंसिव है। ये है वो, ये मैं अल्बिनो जो बोल रहा था ना उस टाइप का थोड़ा कलर पैटर्न, ये वो स्पेक्टेकल्ड है वी मार्क वाला, ये अपने यहाँ कॉमनली अवेलेबल है। नॉर्मली काटता नहीं है क्योंकि खुद ही सर उठा के बता देता है कि मैं ना यहाँ प्रेजेंट हूँ और आपको तकलीफ दे सकता हूँ। तो ये जो उनकी प्रक्रिया या प्रतिक्रिया है इसको समझने की कोशिश करिए कि वो खुद आपको खुद को बचाने के लिए आपको डराने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ मत जाइए। आपको जान के हैरानी होगी जहां मैं रहता हूँ गाँव में बचपन से मैंने कई कोबरा देखा, आज भी मेरे घर के आसपास एक दो कोबरा तो है ही, साल में एक दो कोबरा पकड़ने ही पड़ते हैं। हम यही खेलते हैं, यही सब कुछ गार्डनिंग करते हैं, यही पे बहुत सारी चीजें आलू वड़ी से लेके सब प्लांटेशन यही पे होता है वो प्लांट्स का। मुझे कभी भी दिखा तो मैं इतना ही करता हूँ, दूर खड़ा रहता हूँ, वो कहाँ गया वो देखता हूँ और उस एरिया में नॉर्मली नहीं जाता। तो ये आप देखें, और वो उसी एरिया में दिखते हैं जहाँ चूहों का भरमार है, लोग आके कचरा डालते हैं, लोग कचरा डालते हैं उसको खाने के लिए चूहे आते हैं, चूहे वहां रहते हैं तो उनको पकड़ने रैट स्नेक आ जाता है, तो रैट स्नेक इज अ फेवरेट फूड ऑफ द कोबरा, तो उसके चलते कोबरा वहां है। तो ये आप समझ सकते हो कि जब आप कचरा डाल रहे हो तो आपकी जिंदगी का कचरा आप कर रहे हो, ये समझ लोगों में नहीं होती है क्योंकि ज्ञान का सही इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता। ये किंग कोबरा है, बताने की जरूरत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांप, इसके ऊपर बाहर के लोगों ने आके आपने यहाँ काम किया, आपने लोग सिर्फ एक तो पूजा करते या मारते हैं। तो जो रोमिलस वेटेकर ने इसके ऊपर एक बनाई छोटी सी डॉक्यूमेंट्री 1996 में इंटरनेट पे आई या आई मार्केट में और उन्होंने उनको फेमस कर दिया। और रोमिलस वेटेकर का काम जहां तक उधर किया मतलब चेन्नई एरिया में थे, उधर का एक स्नेक पार्क भी है, अपने यहाँ भी पूना में निलीप कुमार खेरे जी ने और उनकी टीम ने बनाया हुआ स्नेक पार्क है, आपको आज के दिन या फिर एटलीस्ट कभी तो कात्रज स्नेक पार्क या चेन्नई का जो स्नेक पार्क है उसको विजिट करना चाहिए। नेचुरल हैबिटेट में सांप आपको दिख सकते हैं। ये किंग कोबरा है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, खड़ा होके मतलब 3-4 फीट हवा में खड़ा होके ऐसा अपना सर उठा के आपके पीछे वो आ सकता है डराने के लिए। बट ऐसे बोलते कि इतना वेनम होता है कि हाथी भी मर जाए, 30-32 लोगों को मार सकता है अगर उसका वेनम जो है उसके टाइम ग्रंथि में वो निकाल के इंजेक्ट किया जाए। तो ये आप समझ सकते हो, इसके ऊपर एक कहानी भी है कि किसी को इस तरीके से जंगल में नाक के ऊपर किंग कोबरा ने काट लिया तो उसको इसके बारे में जानकारी थी, तो उसने देखा आऊं ना चाहूं सीधा उसने अपना नाक ही कटवा दिया। अभी ये सब स्टोरीज है बट जरूरी है कि जो CNS सिस्टम अफेक्ट करते हैं उनके बारे में आप अगर जहां बाइट हुआ उसको उसी फ्रैक्शन में हटा दो तो वेनम अंदर पहुंचा नहीं तो आपको उसका जो तकलीफ है वो होगा नहीं। अभी ये थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड बात बोला, जो आपको समझी नहीं होगी तो भूल जाइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले सांपों में किंग कोबरा और क्रेट आता है, और वाइपर प्रजाति या फिर ग्रीन बाम्बू पिट वाइपर ये सब या सी स्नेक या आपके ब्लड सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, और उनसे बचने के लिए अवल पट्टी वगैरह का कोई यूज नहीं है, कटने का भी कोई यूज नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये आपने इधर का कोबरा नहीं है, स्पिटिंग कोबरा है जिसके फैंग्स में एक छेद होते हैं तो उसके कारण वो डराने के लिए सिर्फ हुड नहीं उठाता वो स्पिड भी करता है, और वो गलती से आंख में वगैरह चली जाए आपके ऊंट के ऊपर चला जाए तो ऐसा हो जाए तो वो उतनी ही तकलीफ देगा। सी स्नेक के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि हम में से कोई भी सांप पकड़ने नहीं जाता है या मछली पकड़ने भी नहीं जाता है, इसके ऊपर बाद में बात हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्पेसीज ऑन अर्थ ये होते हैं, पर इतने शांत होते हैं कि नॉर्मली मछुआरे इनको हाथ से उठा के नेट से फेंक देते हैं फिर भी वो काटते नहीं, उसमें मैं बात ही नहीं करूंगा। ये रसेल स्वाइपर है, दुनिया का एक ऐसी प्रजाति जो सबसे ज्यादा मौतों के लिए कारणीभूत है। क्यों? क्योंकि ये वाइपर कैटेगरी बहुत विस्तृत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। रैटल स्नेक की आप बात करो या फिर इसकी बात करो या किसी और की बात करो, फॉरेन के भी स्नेक की, वाइपर कैटेगरी के सांपों में काफी बदलाव पाया जाता है, देखा जाता है, वो काफी फियर्स भी होते हैं। जैसे रसेल स्वाइपर के बारे में बोला जाता है कि इतना स्टाउट सांप भी सेकंड के 1/3 हिस्से में 3 बार काट के या 4 बार काट के आपको वापस जा सकता है, इतना उसका अच्छा स्प्रिंग बैक होता है। और गुस्से में भाई साहब ये काम करते भी है, और करने के बाद जो होता है वो असहनीय और देखने लायक नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके हाथ के ऊपर काटा और काटने के बाद उनका हाथ काटना पड़ा क्योंकि पूरे हाथ पे ब्लिस्टर आ गए, फट गया, नसें फट गई,
ब्लड सिस्टम को टेरिफिकली डैमेज करने की कैपेसिटी वेनमस कैटेगरी वाइपर कैटेगरी के सांपों में आती है, और उसमें एक बड़ा सितारा है रसेल्स वाइपर। दूसरा सितारा दिखाऊंगा, रसेल्स वाइपर के दांत है उल्टे ऐसे अंदर की तरफ मुड़ने वाले फैंग्स, स्ट्रेट फैंग्स नहीं है, बेंड फैंग्स है। तो जब भी वो डालता है तो शायद अटक जाए, तो निकालने के लिए उसको थोड़ी तकलीफ होती है। उसमें अगर वो पलटी कर दे तो लोगों के अंदर गलत फहमी आएगी कि सांप काट के जब तक पलटी नहीं मारता तब तक वेनम अंदर नहीं जाता। ऐसे नहीं, उसकी ग्रंथि जो है वो प्रेशराइज सिस्टम है, पंक्चर करने के बाद इस तरीके से एक्टिवेशन होता है कि इमीडिएटली आपके अंदर इंसर्शन होता है। मुझे दो बाइट हुए थे ग्रीन पिट वाइपर के, बंबू पिट वाइपर के, और दोनों टाइम पे दोनों जगह पे कट गया था, इतना वेनम गया था। ऐसा नहीं कि पहला बाइट किया तो वहां पे इफेक्ट हुआ और दूसरे में उसने ड्राई बाइट किया, ऐसा नहीं किया। दोनों बाइट में वेनम इंसर्शन हुआ ही था, और उसके कारण इतना छोटा सांप काटने के बाद भी और इतना कम पोटेंट सांप काटने के बाद भी 5-6 दिन में आईसीयू में था। तो दिस इज ओनली बिकॉज क्वांटिटी ऑफ द वेनम। तो ये आप समझने की कोशिश करिए, इसमें क्वांटिटी भी होती है और इंजेक्ट करने की क्षमता भी होती है। तो इसके लिए रसेल स्वाइपर से लोग काफी डरते हैं। सॉ स्केल इसी का छोटा वर्जन है, स्केल्स को एक दूसरे के ऊपर घिस के आवाज करता है, तो ये सॉ के कटिंग के आवाज की तरह है, इसलिए इसको सॉ स्केल बोला जाता है। ओके, और भी बहुत सारे नामकरण है। ये बहुत डरावना है क्योंकि छोटा है, कभी भी हैंडल नहीं करना है, क्योंकि छोटी सांप को हैंडल करते हैं उसके अंदर इतनी कैपेसिटी कि वो कभी भी पलटी मार के काट सकता है। काटना इज ऑलवेज डेंजरस। तो दूरी रही है, ये इसके आंख में आपको ये इस तरीके का इसलिए दिख रहा है कि शायद ये मोल्टिंग के स्टेज पे है। बाकी पीट वाइपर की बात नहीं करूंगा मैं सिर्फ एक पीट वाइपर पे लेके जाऊंगा, बंबू पीट वाइपर, जिसने मुझे 25 जनवरी 2019 में काटा था। ओके, और काटने के बाद मैं आपको वो कुछ इंटरेस्टेड आपके सवाल को जवाब दे दूंगा। ये मेरा ही पहला वाला फोटो है, किसी दोस्त ने लेके आए थे तो उनका मैंने फोटो निकाल के उसको हमने सही जगह पे छोड़ दिया था करनाला में, बट आई वॉज नॉट वेरी क्लियर कि करनाला में ये बहुत वैरायटी है। सो ये है वो बंबू पीट वाइपर, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेसीज है, हरा नाग भी बोलते हैं। साइज शेप में नहीं जाएंगे, ये आपको कंपैरिजन के लिए। ये बाजू में जो आपको वुल्फ स्नेक दिखाया वो काला होता, काला वाला जो फोटो पहले दिखाया तो आपको क्रेट की तरह ही दिखता था। ये मैंने स्लेंडर कोरल को और डुमेरिस ब्लैकहेड को कंपेयर किया, सॉ स्केल और कैट स्नेक को कंपेयर किया, कंपेरिजन तो बहुत हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते कोबरा बाइट के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने के कारण क्वेश्चंस है, बट मैं अभी इसको खत्म करके क्वेश्चंस पे आता हूँ। और ये जो पीपीटी है या ये जो किताब है वो आपको, वो जो आपने क्विज अटेंड किया था उसके लिंक्स में था, चाहिए तो मैं फिर से डाल दूंगा। मुझे सिर्फ आप व्हाट्सएप से खुद का नाम स्टैंडर्ड मैसेज कर दीजिए तो मैं वो लिंक भेज दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए किताब। कोबरा बाइट में इंपॉर्टेंट चीज है, कोबरा दिखता है बाइट करते वक्त नॉर्मली, तो आपको समझ में आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, भाई बुआ बाबा के पास नहीं जाना है, सीधा पीएचसी जाना है। बहुत ही डेंजरस चीज है, शुरुआत में कुछ नहीं लगेगा एंड बाद में यू विल बी रियली अंडर प्रॉब्लम। क्यों? मेरे एक दोस्त है प्रसाद शाह जी, हीरोइक डीड्स नहीं करते, अच्छा काम करते, बट एक बार इस तरीके को किसी को दिखाते वक्त किसी ने कुछ गलत किया, उसको बचाने के चक्कर में इनको इसने काट लिया। अभी काफी टफ व्यक्ति है, फिर भी शुरुआती दौर में तो काफी हसमुख, मतलब काफी इजीली ले रहे थे, बट हॉस्पिटल में जब उनको उनके दोस्तों ने देखा और जिस अवस्था में वो थे फिर भी वो बच गए। बट कोबरा का वेनम डेंजरस है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो इससे बचे रहना है। क्या सिम्टम्स है वो इधर लिखे गए हैं, कुछ इसी तरीके के कुल सिम्टम्स। क्रेट के मामले में एक ही सिम्टम है, पोटेंसी बहुत ज्यादा है, तो पेट में पहुंचने के बाद या थोड़ी देर बाद एब्डोमेन में पेन होने लगता है, मसल्स के जो जॉइंट्स है उस पर आपको पेन, जॉइंट्स में सॉरी हड्डियों के जो जॉइंट्स है उसमें आपको पेन होने लगेगा, थोड़ा अटपटा लगता है। नहीं तो बच्चे डायरेक्टली जहां पे आपको इस तरीके के बाइट्स वगैरह होते हैं वहां पे डेथ नहीं होती, आवाज कोई ना कोई तो करता, बट क्या मालूम छोटे बच्चों में ये सब भी महसूस नहीं होता होगा। रसेल्स का ब्लीडिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है, पेन करता है, ब्लिस्टर्स आने लगते हैं, इट विल मेक यू फील कि आपने गलती किया था, मैंने महसूस किया है। सॉ स्केल की बात करें या सी स्नेक की, सबकी एक ही स्टोरी है। सर्प दंश के बाद क्या करना है ये इधर लिखा है, नॉर्मली लोग डर जाते हैं तो उनको मेंटली स्टेबल करना है, तो भाई आपकी तरफ से उसको सांत्वना देनी है, डराना नहीं है और बोलना है कि तुम शांत रहो, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, भाई बहन चाचा मामा, मैं तुमको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, बचाऊंगा भी, और मेरे से जो होगा करूंगा, तुम मूवमेंट मत करो क्योंकि इससे तुमको तकलीफ होगी, प्लीज बी स्टेबल। प्यार से जितना भी हो सके वैसे समझाने की कोशिश करिए, नो मूवमेंट्स। हार्ट पंप करता है, पंप है शरीर का, तो जो भी जहां काटा वहां पे जहर है तो वो फैलने के लिए उसको हार्ट तक पहुंचना है,
तो थोड़ा उसको नीचे की तरफ ही रखिए। अवल पट्टी वगैरह प्रकरण जो है ना उसमें न जाए तो बेहतर है, बट सीएनएस सिस्टम वाले कोबरा मणियार के मामले में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जहां तक कट्स की बात है, डोंट गेट इनटू दिस, ब्लीडिंग से भी मौत हो सकती है, दवाखाना डॉक्टर के पास ही लेके जाइए। गलत फहमियों की भरमार यहां है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, दो मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं ताकि जब वीडियो आप फिर से देखेंगे तो आपको दिखे। ये देख लीजिए, इसको भी आप स्टॉप करेंगे तो आपको दिखेगा। कल क्या आपको प्रिकॉशंस लेने लिखे हैं, होल्ड कर रहा हूं देख लीजिए, फिर होल्ड कर रहा हूं देख लीजिए बाद में। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, अभी सवालों पे आता हूं। उड़नारा साफ हो गया सर, सांप के खून में ऐसा क्या होता है जिसको कोई पिता नहीं है, फिर से उन्होंने डाला शहर सर। वेन द स्नेक हो गया सर, इंडिया में एवरीवन थिंक्स ही मीन्स टू बी, ये फिर से डाला किसने, डज स्नेक्स हैव स्केलेटन, ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल ही देखा मैं उनके शरीर में तकरीबन कुछ तो 700 800 या 1000 या 600 या 500 इतने बोन्स होते हैं। ओके ओ मुन्ना भाई एमबीबीएस में ना, तुमको मालूम है सर्किट, अपने शरीर में 206 टाइप का तो हड्डी होता है, तो अपने से ज्यादा टाइप का उसमें होता है, या एटलीस्ट क्वांटिटी ज्यादा है, या एटलीस्ट मैंने कुछ उस तरीके का कल परसों ऐसे ही पीपीटी के टाइम पे पढ़ रहा था कहीं पे तो दिखा। मंगलम जी ने कुछ लिखा, तो नो मोर अबाउट स्नेक्स, फॉलो द लिंक्स बिलो। देखिए मंगलम सर ने डाल दिया है किताब की लिंक, कॉपी कर सकते हैं, वीडियो का प्लेलिस्ट डाल दिया है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ दे हैव स्केलेटन देन हाउ आर दे एबल टू मूव एंड मेक टर्न टू फास्ट, आप समझ नहीं पा रहे हो भाई, जॉइंट्स है ना हर चीज में, तो जॉइंट्स है तो भाई ऑब्वियसली वो मूवमेंट मसल्स के माध्यम से देते हैं। आर्यन जी ये सिस्टम समझने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके स्केलेटन मतलब हार्ड स्केलेटन नहीं है, टाइट स्क्रू टाइट किया हुआ, ये अपनी तरह मूवमेंट है ना, हमारे हाथ की लेंग्स की उंगलियों की गर्दन की मूवमेंट होती है, एस मूवमेंट होती है। अभी वो डांसर कौन है, प्रभु देवा, अभी प्रभु देवा का मूवमेंट और अपना मूवमेंट, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, जबकि जॉइंट्स वही है। Why king cobra is called king? Because it is king of snake. वो सब सांपों को खा सकता है। ओके सबको पकड़ पकड़ के खाता भी है, उसका मेन खाना ही सांप है, और शांत है, बहुत बड़ा है, क्वांटिटी ऑफ वेनम बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल से मैं इतना बड़ा भाषण दे रहा हूँ, मैंने किंग को कभी सामने नहीं देखा, बट सोचिए किसी अवस्था में जंगल में मैं अकेला हूँ, मैं डरता नहीं नॉर्मली, बट मेरे सामने एक 4 फुट ऊंचाई का हुड बना के किंग कोबरा खड़ा है, तो फिर क्या होगा। तो भाई किंग किंग है, जो सबको डरा सकता है, उसके बारे में सिर्फ गलत फहमियों के कारण नहीं तो उसके कैपेसिटी के कारण तो वो मानना पड़ेगा कि वो किंग है, है तो है। व्हाट इज द इमीडिएट फर्स्ट एड फॉर द स्नेक बाइट, इमीडिएट फर्स्ट एड फॉर द स्नेक बाइट इज टू मेक पेशेंट रीच द प्लेस वेयर द पीपल नो हाउ टू ट्रीट स्नेक बाइट एंड एंटी वेनम इज अवेलेबल। अभी आपके सवाल का ये जवाब नहीं हुआ मुझे मालूम है, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करिए, जिसमें आपका कुछ रोल नहीं है, मेरा रोल नहीं है, वहां पे यही करना बेहतर होगा कि जो सही इलाज दे सकता है वहां पे उसको हम पहुंचाए। तो जैसे आपने पूछा एंड देयर डिफरेंट फर्स्ट एड फॉर द वेनमस एंड नॉन वेनम, फर्स्ट एड की जहां तक बात है कि जख्म को साफ करो वगैरह, इसमें वक्त जाया नहीं करना है आपको, वहां पे जख्म को मतलब जो जख्म में कुछ गलत चला गया तो उसकी वजह से जो गैंग्रीन होगा हुआ, ये सब चीज का प्रॉब्लम इतना नहीं है, क्योंकि स्नेक बाइट का जो पॉइंट्स है ना बड़े सांप का भी वो दिखता नहीं, इतना छोटा बाइट होता है, 2 डेंट्स दिखेंगे या 1 डेंट दिखेगा, जहरीले सांपों में थोड़े ज्यादा बड़े दिखेंगे, फिर वहां पे ब्लिस्टर वगैरह फॉर्म करने दिखेंगे या वहां पे स्वेलिंग दिखना चालू हो जाएगा। नॉन वेनमस स्नेक में नॉर्मली कम दिखेगा, बट फर्स्ट एड जैसी कोई चीज नहीं। मैं बोल रहा हूं या मैं फील करता हूं, आज भी हम जहां रहते हैं वहां से पीएचसी काफी दूर रहता है, तो सिर्फ हौसला बुलंद रखना, उसको अच्छे से मेंटली स्टेबल करके वो हाथ को इमोबिलाइज करना, जैसे लकड़ी का पट्टा पट्टी वगैरह नीचे डाल दो सपोर्ट में ताकि हाथ मूवमेंट ही ना करे, बच्चे सुनते नहीं है, तो इस तरीके का जुगाड़ ड्यूरिंग ट्रांजिट जब आप वहां से निकल के उसको हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हो तो कर लीजिए। बेवजह हाथ की जख्म साफ भी करने के पीछे मत लगिए, या फिर कोई टोटके मत इस्तेमाल करिए, यहाँ वहां की कोई फूड लगा दी या कोई कोई पत्तों का रस वगैरह उस पर छिड़क दिया, डोंट डू दैट। कैन किंग कोबरा ईट एनाकोंडा, अभी साइज छोटी है तो खा लेगा ना भाई। अभी आप बोलोगे कि हाथी शेर को खा सकता है, क्या शेर पूरे हाथी को खा सकता है, तो शेर खाता है पकड़ के मारने के बाद, पर थोड़ा थोड़ा खाता है ना, तो यहाँ इनके पास कट करके खाने के लिए दांत नहीं है,
तो साइज में फिट होगा तो खा लेगा भाई किंग कोबरा, बट ये अपने यहाँ मिलता है और एनाकोंडा अपने यहाँ नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका सवाल है ये यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं। एनाकोंडा इज स्नेक और नॉट, इट इज स्नेक ना, इसको बोलते बोआ द कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब इनके अंदर जो उनका स्टाउट बॉडी है उसके चलते वो लोग कॉन्स्ट्रिक्ट करके पहले उस सिस्टम को या उस जीव को मार देते हैं, और मारने के बाद शांति से उसको सॉलो करते हैं, नहीं तो वो तकलीफ देगा ना खाते वक्त। कैन ऑल स्नेक्स गो अंडर हाइबरनेशन, हाइबरनेट करने की क्षमता हर स्नेक में होनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर वो एक्टोथर्म वाला वर्चू है नेचुरली मौजूद, तो लगता नहीं है खाना जब तक बॉडी के अंदर उस तरीके के मूवमेंट की जरूरत नहीं, तो वो हाइबरनेट कर सकते। पर कुछ जीवों ने, कुछ सांपों ने इस तरीके से खुद को अडाप्ट कर लिया कि वो हाइबरनेट नहीं करते। जैसे रैट स्नेक आपको हर बार दिखेगा, ओके आप नहीं बोले तो भी गुल्फ स्नेक आपको कहीं ना कहीं दिखी जाएगा, रुका मतलब ब्रॉन्ज बैक, हरन टोल मतलब वाइन स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक, ये सब दिखते रहते हैं। तो वैसे ही हमने 22 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लिया, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आपने फीडबैक सबने दिया ही है, जिन्होंने नहीं दिया, मेरी बहुत सारी सोशल एक्टिविटी है उनके बारे में आप पढ़ लीजिए और फीडबैक दे दीजिए, देना है तो। डू दे माइग्रेट, दे मूव एज पर देयर कन्वीनियंस एंड इंटरेस्ट, इज इट राइट टू टाई द लिंब आफ्टर द बाइट सो दैट राइट टू टाई द लिंब आफ्टर बाइट सो दैट वेनम डजंट स्प्रेड टिल वी रीच, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो सांप एक जो एक सांप ने जहर को छोटे से रैट में डाल दिया तो रैट तो कुछ सेकंड मिनटों में मर जाता है। इंसान के सोचिए, मेरे उंगली के लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की उंगली में काट लिया, अभी मैंने उसको आगे ना बढ़े इसलिए हाथ का जो रिस्ट है उधर टाइट बांध दिया, अभी हो क्या रहा है कि वो वेनम जो है उतने ही एरिया को अफेक्ट कर रहा है, वैसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर मूव हो ही रहा है, नहीं तो स्वेलिंग हो जाएगा। तो वेनम मूव तो हो रहा है बट ज्यादा अफेक्ट कर रहा है उस छोटे एरिया को, तो आपको जाके उस पुर्जे को, उस हाथ को बाद में काटना पड़ेगा अगर वाइपर बाइट हुआ है। अगर कोबरा बाइट हुआ है तो इट में हेल्प बिट, क्रेड बाइट में भी थोड़ा मदद करेगा, बट मदद बहुत थोड़ा है। उससे अच्छा उस लिम्ब का मूवमेंट ना हो, उसकी वजह से आपके शरीर में खून न जहर न फैले, इसलिए उसको नीचे की तरफ रख के आप अपना बढ़िए। अब इस मामले में एक्सपर्ट है कोई, जिसने इस मामले में क्या बोलते हैं इसको, क्रेप बैंडेड वगैरह सही ढंग से बांधने की आदत है, नर्सिंग उसने किया है, मैं जानता हूं इसको कैसे करना, ऐसा बोलने वाला और सही समझ रखने वाले आदमी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले क्रेट और कोबरा बाइट के चक्कर में आप जरूर क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हो समझदार व्यक्ति द्वारा, आप और मैं नहीं। ओके प्रभु, सो वी आर डन विद दिस, गिव फीडबैक, ट्राई टू अरेंज माय फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर ऑन ऑल दी थिंग्स लाइक करियर गाइडेंस, नेक्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्पेशली साइंटिफिक टेम्परामेंट। आज के हमारे लेक्चर का उद्देश्य था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सांपों को समझे, उनके प्रति ज्ञान बढ़ाए और खुद को सेफ रखे ताकि ये जीव भी सेफ रहे। ओके तो वर्ल्ड स्नेक डे की सबको शुभकामनाएं, और आप सबने ये मेरा जो लेक्चर सुना इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास एंड गिव फीडबैक, thank you very much, good night, take care, bye bye, we'll stop here।